मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच के द्वारा पोस्ट कोविड 19 वेब सीरीज के सातवें संस्करण में आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले कार्यक्रम के संबंधित कुछ आवश्यक सूचना देना मैं चाहूंगा, आप सभी इसको ध्यान से लीजिएगा। सभी सहभागियों का माइक शुरू में एडमिन के द्वारा म्यूट रखा गया है। सभी सहभागी अपना पूरा नाम जूम ऐप में लिखे ताकि सवाल जवाब सेशन के दौरान हमें आपका नाम लेने में आसानी रहे। सवाल जवाब सेशन के दौरान आपका माइक अनम्यूट किया जाएगा और सवाल पूछते समय अपना वीडियो ऑन करिएगा। अगर आप अपना कैमरा वीडियो ऑन रखने वाले हैं तो आप अपने कपड़े और पीछे का बैकग्राउंड सही रखें। कार्यक्रम के दौरान कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर न करे। कार्यक्रम के दौरान एडमिन द्वारा दी जाती किसी भी सूचना के लिए चैट मॉड्यूल चेक करते रहिए, जो शुरू में प्रतिभागियों के लिए बंद रखा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं। कार्यक्रम के किसी भी सूचना को भंग करने पे एडमिन आपको वेबिनार में से निकाल सकता है। सवाल जवाब सेशन के दौरान अगर आपका कोई सवाल है तो आप जूम ऐप के माध्यम से रेज हैंड फीचर यूज कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे मोर बटन को क्लिक करने पर दिखाई देगा। भारतीय विचार मंच का वैसे तो आप सभी ज्यादातर सहभागियों को परिचय है, फिर भी आज कुछ नए सहभागी पूरे भारतवर्ष से जुड़ते हैं, तो भारतीय विचार मंच आनो भद्राहा क्रतवो यंतु विश्वतः के मंत्र के साथ गत 27 से अधिक वर्षों से गुजरात के वैचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। भारतीय विचार मंच द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, चर्चा सत्र, शोध लेखन एवं विभिन्न विषयों पर पुस्तक प्रकाशन का कार्य भी करता है। वर्तमान समय में जब आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, ऐसे समय में मंच द्वारा एक नया प्रकल्प ऑनलाइन वेबिनार सीरीज के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। मंच कुल 6 वेबिनार कर चुका है जिसके वीडियो भारतीय विचार मंच के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आज के वेबिनार का विषय आप सभी जानते हैं, सेंसस इन कॉलोनियल इंडिया, जिस पर आज डॉक्टर राकेश सिन्हा जी का वक्तव्य रहने वाला है। सर्वप्रथम मैं राकेश जी का परिचय आप सबको देता हूं। वैसे तो आपकी शख्सियत कुछ परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी थोड़ा परिचय देने का कोशिश कर रहा हूं। आप भारत के जाने माने लेखक, शिक्षाविद और राजनेता है, जैसे कि आप राष्ट्रपति श्री द्वारा मनोनीत राज्यसभा के संसद सभ्य भी है। प्रतिदिन टीवी के अनेक वाहनियों पर चलते चर्चा सत्रों में देश जिनको देखता तथा सुनता है, ऐसे श्री राकेश जी आप भारत दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक है। उर्दू प्रेस की समीक्षा व बंगाल सांप्रदायिक हिंसा की प्रयोगशाला जैसे इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के कई सारे प्रकाशन भी आपने किए हुए हैं। सीपीआई इट्स ऑर्गेनाइजेशनल एंड आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिंस इट्स कंसेप्शन 1964 टू 2007 जो आपकी पीएचडी डॉक्टरेट का विषय रहा है। राष्ट्र निर्माता डॉक्टर हेडगेवार, पॉलिटिकल जर्नलिज्म, टेररिज्म इन इंडियन मीडिया, रोटी राज्य और रोजगार, सेक्युलर इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ माइनोरिटिज्म तथा अन्य अनेक पुस्तकों के आप ख्यातनाम लेखक और प्रसिद्ध स्तंभ लेखक भी है। आप सोशल मीडिया पे सतत सक्रिय रहते हैं और बहुत सारे राष्ट्रवादी आपको फॉलोअर्स भी है। साथ में ही राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है। ऐसे आप श्री डॉक्टर राकेश सिन्हा जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना वक्तव्य हम सबके सामने प्रस्तुत करें। पहले तो मैं भारतीय विचार मंच के सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं कि आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जब हम कोरोना के संघर्ष में जुटे हुए हैं लेकिन उसके कारण हमारी बौद्धिक गतिविधियां समाप्त ना हो और दिन प्रतिदिन की बौद्धिक गतिविधियों को हम जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं, जो आधुनिक तकनीकी की सुविधाएं हैं, उसका लाभ उठाएं और भारतीय विचार मंच यह श्रृंखला शुरू की है, इसके लिए इसका मैं अभिनंदन करता हूं। देश के अन्य हिस्सों में अन्य संस्थाओं ने भी ऐसा काम किया है। यह दिखाता है कि इस देश की बौद्धिकता
प्रत्येक परिस्थिति में, संकट की अप्रतिम घड़ी में भी जीवित रहती है और भारत की जीविष्टता का यह द्योतक है। मैंने यह विषय इसलिए लिया है कि अगर अभी यह संकट नहीं होता तो जनगणना का कार्य शुरू हो गया होता, उसकी गतिविधियां शुरू हो गई थी, लेकिन इस आपदा के कारण जैसे अन्य चीजें टली हैं, जनगणना भी टला है। जनगणना से तात्पर्य साधारणतः हम लेते हैं कि जैसे लोगों की संख्या की गिनती करना, उनके घरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनकी आर्थिक गतिविधियों को जानना, यह एक छोटा हिस्सा है। और इसका एक बड़ा हिस्सा होता है कि अपनी सभ्यता, संस्कृति और समाज में होने वाले अनवरत परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करना। जिस जनगणना में सिर्फ संख्यात्मकता का बोध होता है, यानी स्टैटिस्टिकल कार्य होता है, और जिस जनगणना में सिर्फ आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी बातों को ही इकट्ठा किया जाता है, उसकी उपयोगिता सीमित होती है, यूटिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है। इसलिए जनगणना का दायरा क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो पा रहा है, जैसे भी एनपीआर और एनआरसी के ऊपर डिबेट हुआ, आधा अधूरा डिबेट हुआ, पॉलिमिकल डिबेट हुआ, यानी नारेबाजी के साथ जब बातें होती हैं तो उसकी मूल बातें खो दी जाती है। जनगणना का मूल अर्थ समाज की गत्यात्मकता यानी डायनेमिज्म, समाज के छोटे छोटे हिस्सों में, चाहे भौगोलिक हो या वर्गीय हो, यानी जनसंख्या का कोई छोटा हिस्सा हो या कहीं सीमांत हिस्सा हो, उसकी सूक्ष्म जानकारियों को इकट्ठा करना। उन सूक्ष्म जानकारियों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो भारतीय राष्ट्र का एक स्वरूप, भारत की संस्कृति सभ्यता में जो सकारात्मक नकारात्मक स्वाभाविक और अस्वाभाविक परिवर्तन होता है, नेचुरल और अननेचुरल परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसकी एक जानकारी मिलती है। वह हमें यह समझने का, सोचने का और अपने आप से प्रश्न करने का अवसर देता है कि हु आर वी, हु एम आई, मैं कौन हूं और इस परिवर्तन में हमारा क्या योगदान है। इसलिए जनगणना को एक बृहद पटल पर देखना चाहिए, और यदि एनआरसी एनपीआर पर डिबेट होता तो शायद उससे भी कहीं आगे जाने की बात होती। मैं एक उदाहरण देता हूं। भारत की किसी जनगणना की 1951 से लेकर 2011 तक की जनगणना की किसी डॉक्यूमेंट में इस बात का जिक्र नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के एक बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे की पहचान, एक दूसरे को बुलाने का काम विसिल बजाकर करते हैं। आखिर क्यों? जैसे मैंने कोंगथोंग गांव का उल्लेख किया था, उसमें सभी लोग विसिल बजाकर एक दूसरे को बुलाते हैं। यदि उसकी जानकारी नहीं है तो यानी कि जो काम हम करते हैं जनगणना के द्वारा, उसे मैं मानता हूं एक अखिल भारतीय रूप से सर्वे है, जो एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, तो उसमें कमी रह जाती। आज मैं खास करके जो उपनिवेशवाद से के दौरान भारत में जनगणना हुई उस पर अपनी बात रखूंगा, लेकिन उससे पहले जो पहली जनगणना हमारे देश में आजादी के बाद हुई 1951 में, उस जनगणना का सेंसस कमिश्नर एमडब्ल्यू यार्स को ही अपॉइंट किया गया, जो 1941 में ब्रिटिश राज में जनगणना में सेंसस कमिश्नर थे। लेकिन यार्स बीमार पर गए, 1949 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गोपाल स्वामी को इसका सेंसस कमिश्नर बनाया गया। सरदार पटेल ने जनगणना को एक टेम्पररी मेजर कहने की जगह एक स्थायी विभाग के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने बहुत रुचि ली थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो गृह मंत्री बने, उन्होंने जो एक संदेश दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह संदेश था कि यह एक बहुत बड़ा पैट्रियोटिक काम हो रहा है, ये बहुत ही देशभक्ति का काम हो रहा है, और इसी कार्य को करने में 6 मिलियन लोग इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति के द्वारा इकट्ठा किया गया सामग्री, एक आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन,
एक अखिल भारतीय रूप लेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो हमें चिंता का विषय है कि जनगणना हमारे यहां 1872 में शुरू हुई, यानी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान 8 जनगणना हुई, 1872, 1881, 1891, उसके 2001, 1901, 1911, 1921, 31 और 41। 1941 की जनगणना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया चूंकि विश्व युद्ध चल रहा था, और 1872 की भी जनगणना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था चूंकि पहला जनगणना था। शेष जनगणना में कोशिश की गई कि अखिल भारतीय स्वरूप उसको दिया जाए। लेकिन जो बात मैं यहां रेखांकित करना चाहता हूं उस पर आने से पहले, ब्रिटेन ने 1940 के आसपास एक कमीशन का गठन किया था, रॉयल कमीशन, जिस रॉयल कमीशन ने 100 वर्ष आगे तक की परिस्थिति का एक आकलन किया था कि ब्रिटेन की जनसंख्या 2047 में क्या होगी, क्योंकि उसकी जनसंख्या की जो जिस गति से बढ़ रही थी और जिस अनुपात में संसाधन था उसके बीच क्या संबंध रहेगा। और रॉयल कमीशन का रिपोर्ट 100 वर्षों का था। उसी पैटर्न पर 1951 में हमारे यहां एक छोटी सी कोशिश हुई, कमीशन नहीं बना, लेकिन जो जनगणना हो रहा था उसी में 1951 के जनगणना में एक चैप्टर दिया गया, 1921 को ग्रेट डिवाइड माना गया, 1921 की जनगणना को ग्रेट डिवाइड माना गया, उसे पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन जो चैप्टर जोड़ा गया वो अंतिम चैप्टर था उसका, द प्रोस्पेक्ट 1981। 1951 में इस बात की आशंका थी कि जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है 30 साल बाद हमारी स्थिति क्या होगी, और यह जो लगभग ये 51 पृष्ठों के इस चैप्टर में कोशिश की गई कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मोर्टलिटी रेट इत्यादि बातों को देखते हुए, लेकिन वो पूरा चैप्टर इनकंक्लूसिव है, कोई महत्वपूर्ण योगदान वो नहीं कर पाया, वह एक छोटी सी कोशिश बनकर रह गई। लेकिन उसने कुछ बातें कही कि उसके अनुसार 1961 में उसने जो अनुमान लगाया कि जनसंख्या 41 करोड़ होगी, लेकिन उसके अनुमान के प्रतिकूल जनसंख्या 43.9 करोड़ हो गई, यानी 2.9 करोड़, कहें तो 3 करोड़ जनसंख्या अधिक हुआ। और 1971 में उसका अनुमान था कि जनसंख्या 46 करोड़ होगी, वह जनसंख्या 54.8 करोड़ हुआ, यानी लगभग 8.5 करोड़ अधिक जनसंख्या देश में बढ़ी। और 1981 के बारे में उसका अनुमान था कि जनसंख्या 52 करोड़ रहेगी, यह जनसंख्या 63.3 करोड़। और यदि रॉयल कमीशन के पैटर्न पर 51 में, 61 में या उसके बाद भी कोई आयोग बनता तो हम भी 100 वर्षों का आकलन करते कि सीमित संसाधन, सीमित ज्योग्राफी भूगोल में हम कितनी जनसंख्या को, हमारी कैरिंग कैपेसिटी क्या है। तो यह अभी जो हमारी जनसंख्या की नीति है उससे जुड़ा हुआ है। मैं अब आता हूँ कि औपनिवेशिक काल में जनसंख्या जनगणना का क्या महत्व है, उस जनगणना के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या हुए, और आज की परिस्थिति में उस जनगणना से हम क्या सीख सकते हैं। देखिए, जनगणना के साथ एक और बड़ा भारत में खास करके एक फैक्टर रहा है कि इसको हमेशा विवाद के घेरे में रखा गया, खास करके 90 के बाद। उसका कारण है, जब भी जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या, जो मैंने कहा 51 में एक प्रोस्पेक्ट 1881 करके एक चैप्टर जोड़ा गया, को सीमित करने की, रोकने की, अंकुश लगाने की बात हुई, तब कई तरह के विचारधारा के लोगों ने प्रश्न खड़ा किया। उसमें एक जो महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हुआ वो दो स्कॉलर हैं, दोनों पति पत्नी हैं, जेफरी एंड जेफरी। इन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीक में 2005 में 29 जनवरी 2005 को एक लेख लिखा। उस लेख में इस पूरी जनगणना की प्रक्रिया को, जनगणना के परिणामों को और जनगणना के पर हो रहे बहस को सैफरन डेमोग्राफी का, यानी भगवा जनगणना। इसका कारण था कि जनगणना के जो परिणाम आते थे वह संख्या की दृष्टि से, तथ्य की दृष्टि से इंपिरिकल होते हैं, तथ्यों को बदला नहीं जाता है।
जब तथ्यों को रखा जाता था तो भारतीय समाज में जनसंख्या के बढ़ोतरी के में अन्य धार्मिक समुदायों का या भौगोलिक भूगोल के आधार पर जो योगदान हुआ उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस होता था। उस क्रिटिकल एनालिसिस पर जब कुछ तथ्य सामने आते थे तो उस तथ्य को छिपाने के लिए या उसकी निंदा करने के लिए एक सेफरन डेमोग्राफी कहा गया। उनको कहा गया जानबूझकर किसी खास समुदाय की जनसंख्या को अधिक बढ़ता हुआ दिखाया जाता है जो कि सत्य नहीं। लेकिन इसके विपरीत मैं एक जो बात कहना चाहता हूं कि भारत में जनसंख्या आजादी के बाद सबसे अधिक जो बढ़ी है वो 1971-81 में बढ़ी, दोनों साल 24% के दर से भारत की जनसंख्या बढ़ी। लेकिन एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है, प्रतिशत का और कुल जनसंख्या में योगदान में बड़ा अंतर होता है। 1971 में 11 करोड़ कुल जनसंख्या बढ़ा, 81 में 13 करोड़ कुल जनसंख्या बढ़ा, जबकि 2011 में जो जनगणना हुई उसमें ग्रोथ रेट 17% था लेकिन कुल एडिशन 23 करोड़ हुआ। तो कभी कभी प्रतिशत घटने से भी चूंकि जनसंख्या का मैग्नीट्यूड स्वरूप बढ़ जाता है इससे उसका प्रतिशत बहुत ही डिल्यूजनरी होता है, भ्रामक होता है, एग्रीगेट पॉपुलेशन में अधिक वृद्धि होती है। तो यह जो सेफरन डेमोग्राफी कहा गया वह सिर्फ अब तक की स्थिति का नहीं है, जेएनयू के चाहे पी के दत्ता हो या जेफरी एंड जेफरी हो या जेएनयू के मोहन राव हो, इन सब लोगों ने एक प्रकार से आजादी के पहले भी जनगणना को पर सवाल खड़ा किया। वो सवाल उसकी आंकड़ों पर नहीं था, आंकड़ों से आने वाले परिणाम पे था। तो मैं जो बात यहाँ रेखांकित करना चाहता हूं उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ब्रिटिश काल में जो जनगणना हुई उसमें कोशिश यह होती थी कि जनगणना को बहुत एक्यूरेट करे। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि बंगाल में, सिर्फ बंगाल की बात में करूं तो बंगाल में जो जनगणना 1901 में हुआ उसका मैं एक उदाहरण देता हूं, उसमें 384,000 एनुमेरेटर्स लगाए गए, यानी कि 78 मिलियन पॉपुलेशन के लिए 7,80,000 पॉपुलेशन को की गिनती करने के लिए लगभग 384,000 जनगणना के लिए एनुमेरेटर या जो जनगणना को काउंटिंग में लगते हैं उनके ऊपर 28,000 सुपरवाइजर्स लगाया गया और 1500 चार्ज सुप्रिंटेंडेंट्स लगाए गए, फिर एक स्टेट का सुप्रिंटेंडेंट होता था, फिर सभी राज्यों को मिलाकर एक सेंसस करता था और लगभग 23 रिपोर्ट तैयार होता था, अलग अलग वॉल्यूम्स में रिपोर्ट होती थी। पहले उसके सकारात्मक चीजों को मैं देखूं तो ब्रिटिश काल की जनगणना ने जो एक महत्वपूर्ण पक्ष को हमारे सामने रखा वह महत्वपूर्ण पक्ष था हमारे समाज की स्थिति क्या है, यानी इसको सिविक कंडीशंस के रूप में रखा जिसमें महिलाओं की स्थिति, समाज की स्पिरिट और वंचित वर्ग की स्थिति, उस पर उसने ईमानदारी से चीजों को रखने का काम किया। वह तभी होता है जब जनगणना में ऐसे लोग जुड़ते हैं जो सिर्फ सरकारी अधिकारी नहीं होते हैं, जिनका उसमें उसमें रुचि भी होती है, जिनमें उनमें विद्वत्ता भी होती है, जिनमें सोशियोलॉजिकल इंक्लिनेशन होता है, तब वह समाज को ठीक से पढ़ पाते हैं। तो उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उठाया वह दो था, एक महिलाओं की स्थिति उठाया और वह एक इतना भयावह स्थिति सामने आया, इसके पहले जो समाज सुधारक होते थे उन्हें ऐसा नहीं महसूस होता था कि महिलाओं की स्थिति इतनी बदतर है, खास करके विडो मैरिज का सवाल होता है। तो मैं बताऊं कि 1921 के जनगणना में जो आंकड़े आए उसने समाज सुधार की प्रक्रिया को भारत में तेज कर दिया, पूरे देश के समाज सुधारकों की आंखों को खोल दिया। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं कि भारत में विधवाओं की संख्या कितनी थी, 1 साल से नीचे यानी जन्म के बाद से 12 महीने के बीच की जो बच्चियां थी उनकी संख्या जो जिनको विधवा घोषित कर दिया समाज ने 597 था, 1 से 2 साल के बीच की जो बच्चियां थी उनका 494 था, तो 2 से 3 साल के बीच का 1,257, 3 से 4 साल के बीच का 2,837 और 4 से 5 के साल के बीच में 6,707, यानी 0 से 5 साल की बच्चियों की
का विधवा होना 11,892 था। ये सिर्फ हिंदुओं, उन्होंने दो काम किया, ये सभी धर्मों में विधवाओं की संख्या क्या वो भी देखा। इसकी तुलना में मुस्लिमों के बीच में बाल विधवाओं की संख्या बहुत ही कम थी, यदि 0 से 1 में 127, 1 से 2 के बीच में सिर्फ 84 थे, 2 से 3 के बीच में 278 थे, 3 से 4 के बीच में 526 था, ये आंकड़ा थोड़ा बड़ा है, लेकिन हिंदुओं की संख्या में बहुत कम था। हिंदुओं में 2,837 था, उनका 526 था, और 4 से 5 साल के बीच में 1711 था। टोटल उनका 2,766 होता है, 2,766 होता है। तो इसने एक तरह से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि इडो मैरिज के बारे में जो अभियान चल रहा है उसका वैधानिक पक्ष और सामाजिक पक्ष दोनों तेज किए, और इसने बहुत ही मदद की इन चीजों को आगे बढ़ाने में। जैसे स्वामी सदानंद जी ने हिंदू संगठन सेवियर ऑफ हिंदू राष्ट्र करके एक पुस्तक लिखी, उसमें इसका इस आंकड़े का उल्लेख करते हुए सभी समाज सुधारकों को, राजनीतिक नेताओं को इस बात की उलाहना दी, चुनौती दी, और एक संवेदना पूर्वक अपील की कि हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है कि महिलाओं की स्थिति सुधारे। ये आंकड़ा उसने बहुत बृहद तौर पर आया था, 5 से 10 साल के बीच में विधवाओं की संख्या 85,037 थी हिंदुओं में, 10 से 15 साल के बीच में 232,000, ऐसे ही हर 5 साल के अंतर पर वो आंकड़ा देते गए, जैसे 25 से 30 साल के बीच में 11 लाख था, 30 से 35 लाख के 5 साल के बीच 18 लाख विधवाएं थी, और ऐसे 40 से 45 के बीच में 27 लाख, में बीच बीच में आंकड़े दे रहा हूँ, 50 से 55 के बीच में 31 लाख थी, और 70 से ऊपर लगभग 7 लाख से ऊपर थी, और 60 से 65 के बीच में 27 लाख थी। तो ये बड़ा आंकड़ा था, और इसने समाज को एक तरह से सचेत किया, जागरूक किया, और उस काम के लिए आगे बढ़ाया। दूसरा जो पक्ष इसने रखा वह प्लाइट ऑफ अनटचेबल्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि किस प्रकार से जो जिनको हम अनटचेबल्स कहते थे उनके साथ कहां कहां क्या होता था। यद्यपि यह करने का उनका मनसा कुछ और था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान जो जनगणना था वह जनगणना एक प्रक्रिया नहीं थी, एक प्रोग्राम था। प्रोग्राम का अर्थ है कि उनका एक निहित उद्देश्य से वो किया गया जनगणना था। वह उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्यवाद को दुरुस्त करना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष था कि भारत में जो कन्वर्जन होता है उसको स्टेट पैट्रोनेज प्राप्त था। इसने जनगणना के जितने भी 8 जनगणना ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हुआ, 8ों में को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उसमें लगभग 40 से 45 पृष्ठ कन्वर्जन के ऊपर, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों के ऊपर, ईसाई मिशनरियों की अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग देश से आने वाली मिशनरियों की विस्तृत जानकारी, उनके बीच में प्रतिद्वंदिता और किसकी क्या कमी है, किसके कारण कन्वर्जन में पिछड़ गए उसकी जानकारी, और किस कारण से कन्वर्जन नहीं हो रहा है उन कारणों पर प्रकाश डाला। यह साम्राज्यवादी जनगणना का एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने उस क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि इन सब के साथ ही साथ कहते हैं सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड, जब भी कोई नकारात्मक काम भी होता है तो उसके पीछे जो विद्वता होती है, जो एक रैशनलिटी होती है, वह अनेक प्रश्नों का जन्म लेता है। उसी में एक प्रश्न का जन्म हुआ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से 1881 के जनगणना में एक प्रश्न आया, वह है कि हु इज ए हिंदू। अब ये बड़ा सवाल बनकर आया, हिंदू कौन है, ये प्रश्न करने वाले कौन थे। तो बॉडोले जो बंगाल के सेंसस सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने इस सवाल को उठाया कि हिंदू हम किसे कहते हैं, और ये सवाल बड़े बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लोगों के बीच उठा कि अब इस पर एक बहस शुरू हुई, और वो बहस में उन्होंने एक कहा कि हम तो किसको हिंदू बोले, हम जनगणना में जाते हैं तो लोगों में इतनी प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, इनके इतनी प्रकार की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, कि किसी एक सबों को एक हिंदू कैटेगरी में रखना मुश्किल है। अब 1881 में जो बॉडोलिनियन ने जो सवाल उठाया, और 1941 में जो जनगणना, अंतिम जनगणना ब्रिटिश साम्राज्य में हुई, यार्स जो जनगणना कमिश्नर थे उन्होंने कहा यह बहुत ही कठिन काम है हिंदुओं को परिभाषित करना।
अब हु इज हिंदू से शुरू हुआ और बर्डोलिन से और यट्स में जाकर खत्म हुआ कि इसको परिभाषित करना कठिन काम है। लेकिन इस दौरान हिंदू शब्द पर बहुत बहस हुई। एक खासियत आप देखेंगे जब आप ब्रिटिश काल के जनगणना रिपोर्ट्स को देखेंगे तो हर एक प्रांत के और जो एजेंसीज थे, जो इंडियन स्टेट्स थे, उनके अलग से जनगणना रिपोर्ट होती थी और प्रत्येक सुपरिटेंडेंट अपने प्रांत में, अपने एजेंसी में या अपने नेटिव स्टेट में जो जानकारियां, सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव की जानकारियां प्राप्त करता था उसके आधार पर एक 70-80 पेज की रिपोर्ट लिखता था। उस रिपोर्ट में वह बहुत ही थॉटफुल तरीके से अपनी बात को रखता था और उसको रखने में एक तरफ उसका नियत, दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी, तो दोनों बातें थी। अंत में अपनी नियत व्यक्त करता था कि नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से उन तथ्यों को भी रखता था। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एसी टर्नर सुपरिटेंडेंट ऑफ यूपी सेंसस के थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस के थे, जिसका उत्तर प्रदेश का एक बड़ा राज्य था। 1931 के सेंसस के वो सुपरिटेंडेंट थे। उन्होंने लिखा, ये टू भास्ट स्मॉल डिफरेंसेस नॉट काउंटेड। ये हिंदुज्म का प्लेटफॉर्म इतना बृहत है, इसमें छोटे छोटे भेदों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है, जिसके कारण इसका दायरा बढ़ जाता है और सभी लोग इसमें समावेहित हो जाते हैं। तो पंजाब के सेंसस कमिश्नर 1901 में मिस्टर रोस थे, ये मैंने 1931 का कहा। अब मिस्टर रोस ने 1901 में लिखा, नथिंग प्रिसाइजली कॉरस्पॉन्डिंग टू इट इन मॉडर्न एरो। भारत में जो धर्म की परिभाषा है और धर्म का जो मतलब लोग समझते हैं, आधुनिक यूरोप में उसके समानांतर कोई शब्द है ही नहीं। हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, न देखा न है। यह वैशिष्ट बताते कि भारत में धर्म को एक सामाजिक सांस्कृतिक दायरे में लेते हैं और पूजा पद्धति से उसका संबंध नहीं रहता है। उसको आगे बढ़ाते हुए जे हटन, जो 1931 के सेंसस कमिश्नर थे, जो मैंने टर्नर की बात की है, यूनाइटेड प्रोविंसेस के थे, जे हटसन पूरे देश के सेंसस कमिश्नर थे, उन्होंने कहा, शेयरिंग द कॉमन बिलीफ इज नॉट ए कंपेलिंग नेसेसिटी इन हिंदुज्म। एक प्रकार के विश्वास के साथ सहमति जताना हिंदू व्यवस्था में आवश्यक या अनिवार्य नहीं है। लोग अपने अपने तरह से जीवन पद्धतियों को, पूजा पद्धतियों को, परंपराओं को ढालते हैं। इसी कारण से 1931 की जो जनगणना हुई थी उसमें 800 से अधिक लोग एग्नोस्टिक्स के रूप में कहा था, फ्री थिंकर्स, एग्नोस्टिक, नास्तिक के रूप में अपने आप को कराया था, किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। उसी को फिर 1911 में, मैं अलग अलग सेंसस के सुपरिटेंडेंट्स की बात कर रहा हूँ, कैसे वे स्वतंत्र रूप से विचार करते थे। 1911 में LSO मेले सुपरिटेंडेंट थे बंगाल के, उन्होंने कहा, एक बड़ा बहुत अच्छी टिप्पणी की, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बिफोर एंड सिंस 1881 विदाउट एलिसाइटिंग एनी सेटिस्फैक्ट्री आंसर। 1881 और 1881 के बाद से यह प्रश्न लगातार उठाया जाता रहा कि हिंदू कौन है, लेकिन बिना किसी तथ्यात्मक बातों का इसके आंसर हम नहीं दिया जा पाया, इसको इसका वर्णन नहीं किया जा रहा। यानी तमाम सेंसस सुपरिटेंडेंट्स ने और सेंसस कमिश्नर ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत में धर्म का तात्पर्य अलग है और वो रिलीजन से डिफरेंट है। हिंदू धर्म एक लचीला है और इसको एक, इसी कारण से, यह तो एक सकारात्मक पक्ष था, पक्ष हुआ जिसको उन्होंने जोड़ दिया, लेकिन इस सकारात्मकता से जो बाधा उत्पन्न होती थी उनके रियल इंटेंशन, जहां ईमानदारी दिखाया वहीं पर उन्होंने अब नियत दिखाया। जो सबसे बड़ा ब्रिटिश सेंसस प्रोजेक्ट का हिस्सा था और हिस्सा में उनकी एक परेशानी भी थी, कठिनाई भी थी, और उस कठिनाई से निकलने का वो रास्ता ढूंढ रहे थे। जब भी वो किसी समुदाय के पास जाते थे तो जो कन्वर्ट हो जाते थे वह भी हिंदुओं से दूर नहीं जा पा रहे। भारत में कन्वर्जन को रोकने की कोई मजबूत योजना नहीं थी, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी कोई कठोर ठोस अखिल भारतीय प्रयास नहीं था, इसलिए जहां तहां कन्वर्जन की गति तेज थी। लेकिन उस कन्वर्जन के बावजूद जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात था
कि लोगों के बीच में एक एक आपसी तालमेल, और उसमें एक उन्होंने उदाहरण दिया कि हिंदुओं का लचीलापन जो कन्वर्ट होते थे उनको भी दूर नहीं जाने देता था, यानी स्थानीयता का बोध, स्थानीय परंपराओं से लोग जुड़े रहते थे। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि नागौर जो मद्रास में था वहां लोग कन्वर्ट हुए, कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने इस्लाम तो स्वीकार कर लिया, उन्होंने एक अल्लाह गॉड बनाया और अल्लाह गॉड को यानी अल्लाह नाम के ईश्वर की प्रतिमा बनाई। उसका एक बड़ा प्रोसेसन निकलता था, उस प्रोसेसन में बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल हो जाते थे, उनको सहयोग करते थे, और कहा जाता था कि 7 बार उस प्रोसेसन में शामिल होना वो मक्का की हज यात्रा के बराबर है। अब यह जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट था उसके लिए एक समस्या थी कि कन्वर्जन भी रिलीजियस रूट को और जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशन का रूट है उसको तोड़ नहीं पाया। उसी तरह से एक मद्रास में ही डेडेकुला नाम का एक संप्रदाय था जिसमें 71,612 लोग थे, वो भी कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन हिंदू देवी देवताओं को तब भी मानते थे, वो कन्वर्जन के बाद भी बोलते थे नहीं हम देवी देवताओं से दूर नहीं रहेंगे। मुस्लिम संत और हिंदू देवी देवता वो मानते थे। इसी तरह से एक पंच प्रिय कल्ट चलता था, 5 ऐसे अननोन अनआइडेंटिफाइड संतों की पूजा करते थे, उनको मानते थे कन्वर्जन के बावजूद। कन्वर्जन किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक धारा बनी रही। उसी तरह से मिस्टर ब्लंट जो यूपी के 1911 में सेंसस सुप्रिटेंडेंट थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वहां बहुत सी ऊंची जाति के लोग भी आगरा में, एटा में, मैनपुरी में कन्वर्ट हुए। वे अपने आप को मियां ठाकुर बोलते थे, वे बोलते थे ना हम हिंदू हैं ना मुस्लिम। उसी तरह से 1931 में के सेंसस रिपोर्ट में लिखा कि हिंदुओं की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी थी कि तांजोर और मदुरई के मंदिरों में मुस्लिम ट्रस्टीज थे जो कि रक्षा सूत्र बांधकर, टीका लगाकर, चंदन टीका लगाकर, चोटी रखकर और रक्षा सूत्र बांधकर हिंदू रीति रिवाज से मंदिर के ट्रस्ट के मीटिंग में उपस्थित रहे। तो इस बात की उनको ये चिंता थी कि यह फ्लेक्सिबिलिटी हिंदुओं की एसिमिलेटिव कैपेसिटी बढ़ा देती है और सेमेटिक रिलीजन के दबाव, प्रभाव और ताकत के बावजूद भी हिंदू धर्म ध्वस्त नहीं हो रहा। 1872 में तो इस बात का उतना जिक्र नहीं था, लेकिन 1881 से लेकर 1931 तक इस बात पर लगातार डिस्कोर्स होता रहा, विमर्श होता रहा। उसी में एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष निकला कि पहला अटैक उन्होंने ट्राइबल पर किया, जिनको आज हम ट्राइबल कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हम इतिहास जान लें कि उसको उन्होंने ट्राइबल कब कहना शुरू किया और क्यों कहना शुरू किया। उसका एक बड़ा कारण है, ट्राइबल कहने के पीछे उनकी एक बड़ी मंशा थी। सबसे पहले 1881 में यह निर्णय हुआ कि उनको एनिमिस्ट कहा जाए। एनिमिस्ट शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1707 में किया गया था, वो एक मेटाफिजिकल सेंस में किया गया था, मेटाफिजिकल साइंस के सिस्टम के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में ये टेलर नाम के एक व्यक्ति ने इसको एथनोलॉजी में टर्न कर दिया है, यानी जो लोग प्रिमिटिव सोसाइटी के लोग हैं उनको एनिमिस्ट कहा जाए। अब यह प्रक्रिया लगातार चली, बहस चली, और उन्होंने कहा दिस इज द बेस्ट टर्म टू बी यूज्ड फॉर दोज हु आर लिविंग इन फॉरेस्ट, जो जंगलों में रह रहे हैं। तो एनिमिस्ट का तात्पर्य उन्होंने कैसे परिभाषित किया, उन्होंने कहा देखिए जंगल में जो लोग रहते हैं उनकी पूजा पद्धति या उनका आचार व्यवहार क्या है, ऐसे लोगों को मानते हैं जो जिसको हम कहते हैं घोस्ट, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, जिसका जिसका चित्र नहीं बनाया जा सकता है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ऐसे स्पिरिट में विश्वास करते हैं, ऐसी बातों में विश्वास करते हैं, और उसी के आधार पर उनका गुरु तैयार होता है और सब लोग तंत्र मंत्र और ऐसे भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, ये प्रिमिटिव लोग हैं। ऐसा करके जिनको वनवासी हम कहते हैं इनको एनिमिस्ट कहा गया, जो बहुत ही कंटेम्पचुअस टर्म उनके लिए। लेकिन एक दिक्कत हुई, ये 1911 में जाकर सेंसस कमिश्नर ने एक बात कही कि आप जिसको एनिमिस्ट कह रहे हैं यह उपयुक्त नहीं है, इसके पहले मैक्स मुलर भी
इसकी आलोचना कर चुका था। मैक्स मुलर ने भी कहा कि एनिमिस शब्द उचित नहीं है, और मैक्स मुलर ने इसको निंदनीय ही कहा और कहा कि ये इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन यह कारण नहीं बना। 1881, 1851, 1901 की जनगणना में उनको एक कठिनाई हुई। जिस ट्राइबल के पास जाते थे वे अपने को हिंदू कहते थे, वे उनको एनिमिस्ट के कैटेगरी में रखना चाहते थे, उन्होंने एक नया कैटेगरी बना रखा था, तो वो तैयार नहीं होते थे। जब वो तैयार नहीं होते थे तो एक ही जगह कुछ उसी मुंडा जो ट्राइब्स है वो हिंदू कहलाते थे, दूसरी जगह उनको एनिमिस्ट कहा जाता था। एक जगह उसी समुदाय के लोग एक साथ एक जनगणना में एनिमिस्ट आए, अगले जनगणना में उन्होंने अपने आप को हिंदू डिक्लेयर कर दिया। तो 1911 के सेंसस कमिश्नर ने यह बात कही कि देखिए इसके दो कारणों से शब्द को हटाना चाहिए। पहला, जो स्प्रिट की बात हम कर रहे हैं यानी भूत पिशाच तंत्र मंत्र की, यह बहुत कुछ क्रिश्चियनिटी में भी विद्यमान है, तो यह समस्या हमारे लिए भी खड़ी हो। एक तो यह कारण बताया। दूसरा कहा कि जहां एनिमिस्ट की परिभाषा खत्म होती है वहां से हिंदुज्म की परिभाषा शुरू होती है। ये नो मैंस लैंड है, जो ट्राइब से उनको कन्वर्ट करने की हिंदुओं की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उनके साथ सामाजिकता बढ़ाते हैं और हिंदू हो जाते हैं। इसलिए इससे अच्छा होगा ट्राइबल रिलीजन कहा जाए, तब शायद हम हिंदुओं से ट्राइब्स को अलग कर पाए। तो ये 1911 से शुरू हुआ, तो एनिमिस्ट की जगह ट्राइब का लिखने का आदेश हुआ, तब से ट्राइब लिखने लगा। तो एनिमिस्ट और ट्राइब के पीछे कोई सकारात्मक भाव और वनवासी आदिवासियों के बीच में कोई आदरणीय उनकी समाज संस्कृति सभ्यता उनकी पहचान के प्रति कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रहा था। यह नकारात्मक दृष्टिकोण से दोनों नाम लाया गया। चूंकि आजादी के बाद हमने इन चीजों पर काम नहीं किया, तो जिस ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने जिस चीज को जैसे दिया उसको उसी रूप में जो उसके भुक्तभोगी हैं और जो उस भुक्तभोगी में सहभागी वो सब स्वीकार कर लिए। खास करके इसके लिए दोषी वो लोग हैं जो प्रथम पंक्ति में बैठे हुए बुद्धिजीवी रहे हैं, जिनका दायित्व था कि औपनिवेशवाद के बाद हम उन शब्दावलियों का पर फिर से विमर्श करें, और जिनके लिए शब्दावली प्रयोग किया जा रहा है उनको उस विमर्श में भागीदार बनाकर हम इस बात पर एक कंसेंसस तैयार करें कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो मंशा थी, जो नियत थी, वह नकारात्मक अपमानजनक और बर्बरता और असभ्यता को प्रदर्शित करने वाली नियत था, उससे हम अपने आप को अलग करें। यह तो एक सिर्फ बात, मैंने इसके बाद कहा 1921 को हम ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं, और ये हमारी जनगणना में भी माना गया 1921 वाज ग्रेट डिवाइड। क्योंकि 1921 के पहले अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत में जनसंख्या का ग्रोथ रेट थोड़ा कम था, लेकिन 21 के बाद जनसंख्या का ग्रोथ रेट बढ़ गया, भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। इसलिए 1921 को ग्रेट डिवाइड कहा गया, और उसी ग्रेट डिवाइड के बाद हमने जनगणना के अन्य पक्षों को देखा। लेकिन मैं एक और बात पर आना चाहता हूं कि ये जो जनगणना पर डिस्कोर्स हुआ उसने कैसे बुद्धिजीवियों को आंदोलित किया। 1901 की जब जनगणना आई तो 1901 की जनगणना में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठा कि जनगणना में किस जनसंख्या, किस वर्ग की जनसंख्या में योगदान क्या है, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान जो 1881, 1891 और 1901 की तीन जनगणना के बाद 1901 की जनगणना के जो सेंसस कमिश्नर थे रिजले ने कहा कि तीन जनगणना को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हिंदुओं का जो दुर्ग है वो शायद समाप्त हो जाएगा, यानी हिंदुओं की जो मेजोरिटी है, बहुमत है, वो समाप्त हो जाएगा, और ईसाई और मुस्लिम इस्लाम के रिवाइवल का समय शुरू हो गया है। क्योंकि जिस रफ्तार से ये जनसंख्या बढ़ रही है वह उन्होंने कहा हिंदुओं के लिए चिंताजनक है, लेकिन आगे उन्होंने एक लाइन कहा
एक सवाल छोड़ा, क्या हिंदू उसी तरह अपने आप को बचा ले पाएंगे जैसे इतिहास में उन्होंने पहले बचा लिया? ये 1901 में कहा, लेकिन 1901 की जनगणना ने लोगों की आंखों को खोल दिया। और 1901 की जनगणना में एक जो महत्वपूर्ण पक्ष था, ऐसा क्यों कहा, मैं उदाहरण देता हूं बंगाल की जनगणना का। बंगाल में हिंदुओं की संख्या 1901 में 4,96,00,000 थी, 4,86,87,362, और मुस्लिमों की संख्या 2,54,95,416 थी, यानी 5,00,00,000 के आसपास हिंदू थे और 2.5 करोड़ से अधिक मुस्लिम थे। लेकिन 1891 से लेकर 1901 तक के बीच में जो एग्रीगेट योगदान हुआ, हिंदुओं की ने 18,00,000 जनसंख्या ऐड किया और मुस्लिमों ने 17,37,000 जनसंख्या ऐड किया, मतलब बहुत ही कम का अंतर था। और क्रिश्चियन की जनसंख्या 2,78,000 थी, उन्होंने 85,000 इसमें ऐड किया, यानी कि क्रिश्चियंस 1872 में 91,000 थे, वो 1901 में बढ़कर 2,78,000 हो गए, 3 times बढ़ गए। रांची में रांची जिला एक बड़ा जिला था उसमें, अभी की तरह छोटा जिला नहीं था, रांची जो झारखंड में है, उनकी जनसंख्या 91,000 थी 1872 में, जो बढ़कर 2,78,000 हो गई 1901, जो बढ़कर 1,24,000 हो गई। रांची में 36,000 से बढ़कर 1,24,958 हो गया। अब ये जो जनसंख्या बढ़ा, लगभग 3 गुना यहाँ भी बढ़ा, 3 गुना वहां बंगाल में भी बढ़ा, इसी तरह से सभी प्रांतों में यह अनुपात रहा। इसी कारण से जो जेफरी है या पीके दत्ता है, इसको सैफ्रन डेमोग्राफी का। अब ये तथ्य को समाज के रखना, ये किसी के प्रति अपमानजनक नहीं था, यह जनसंख्या में किस वर्ग का क्या योगदान, लेकिन उसका एक परिणाम ये हुआ कि न्यू एज थिंकर्स जिनको मैं कहता हूं, अब तक जो थिंकर थे वे बहुत सीमित अर्थों में स्थानीय स्तर पर सुधार की बात करते थे, लेकिन 2 बड़े थिंकर सामने आए। उस सबसे बड़ा जो पायनियर वर्क हुआ, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, कर्नल यूएन मुखर्जी का। यूएन मुखर्जी का मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं, जो कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष भी रहे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उनके सन इन लॉ यानी दामाद थे, आर्मी में डॉक्टर थे, रिटायर हो गए, लेकिन उनकी प्रवृत्ति थी, उन्होंने जनगणना को बहुत विस्तार से पढ़ा, अध्ययन किया, आंकड़ों का अध्ययन किया और देखा क्या कारण है। उन्होंने अ डाइंग रेस नाम की किताब लिखी, यानी मृत होती हुई जाति। वस्तु उसमें हिंदू नहीं था, लेकिन किताब का शीर्षक अ डाइंग रेस था, हिंदू अ डाइंग रेस। उसमें उन्होंने किसी बाह्य ताकतों पर आक्रमण नहीं किया। मैं को न्यू एज थिंकर्स लिए कहता हूं, वो रैशनल थे, साइंटिफिक थे और समाज के प्रति संवेदनशील थे। 3 गुण को कारण मैं इनको कहता हूं, रैशनल विवेकपूर्णशील थे, संवेदनशील थे और तीसरा साइंटिफिक थे, वैज्ञानिक सोच थे। वैज्ञानिक सोच के कारण तथ्यों पर बात करते थे, संवेदनशील होने के कारण समाज के जो हाशिए के वर्ग था उसको उसकी चिंता करते थे और उसके कारण ढूंढते थे। उसमें उन्होंने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि पूजा के मंडप पर, डायग्रेस में लिखा, पूजा का जो पंडाल होता है, मंडप होता है, वहां पर यदि डोम या हरी या कुत्ता आ जाए तो दोनों को हम भगाते हैं। सिर्फ अंतर यह है, कुत्ते के साथ हम थोड़ी नरमी बरतते हैं, उनके साथ वो नरमी नहीं बरतते। बाद में उन्होंने कहा, वही जब क्रॉस पहनकर आ जाता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उन्होंने बाही कारणों पर, यानी कन्वर्जन के जो एक्सटर्नल रीजंस थे उसको उन्होंने निशाना नहीं बनाया, उन्होंने इंटरनल रीजंस को बताया। उस पुस्तक में जो 2 महत्वपूर्ण पक्ष उन्होंने उठाया, एक तो उन्होंने कहा जो समाज का अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से दोनों आलसी हैं, पॉलिटिकली लेजी हैं और अपने आस पड़ोस की बदलाव को देखने में असमर्थ है, उनकी दृष्टि सीमित है, वो अपना घर भरने, अपना महत्व बढ़ाने में उनकी चिंता रहती है।
इससे समाज उनसे छूट जाता है। तो उन पर आक्रमण किया, उस सामंतवादी प्रवृत्ति पर आक्रमण किया जो लोगों को अपने ही शरीर के हिस्से को समाज से दूर करते थे। दूसरा जो उन्होंने उठाया कि हम जो गरीब होते हैं वो जातीय रूप से तो हाशिए पर है, आर्थिक रूप से भी हाशिए पर है, उनके रोजगार की, उनके पेट भरने की, उनके घर की गृहस्थी ठीक से चले इसकी चिंता हम नहीं करते। और एक तरह से अगर हम कहें तो समानतावादी सोच के साथ और संवेदनशीलता कारज को समरसतावादी सोच के साथ उन्होंने डाइंग रेस लिखा और हिंदुओं को चिताया, यदि आप इन दोनों बातों से विमुख रहें तो आप बाह्य ताकतों पर बार बार आक्रमण ना करें, बाह्य ताकतों को दोषी मत बनाएं, आपकी संख्या घटती जाएगी। उन्होंने एक पंक्ति कही, एट द एंड ऑफ द ईयर दे काउंट गेन्स, वी काउंट आवर लॉसेस। साल के अंत में यानी सेमेटिक रिलीजन जो है इस्लाम और ईसाई, वह अपनी संख्या की बढ़ोतरी की गिनती करता है और हम अपनी घटी हुई संख्या को देखते हैं। यह कहा। दूसरे उन्होंने ये किताब लिखी तो उसको स्वामी श्रद्धानंद ने 1912 में उस किताब को उन्होंने पढ़ा और 12 में पढ़ने के बाद 13 साल शोध करने के बाद इस किताब से इतने प्रभावित हुए कि राजनीतिक गतिविधियों से अपने आप को अलग करके 1926 में 13 साल की लगभग शोध के बाद उन्होंने हिंदू संगठन सेवियर ऑफ डाइंग्रेस की पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने उन्हीं प्रश्नों को उठाया जिस प्रश्न को मुखर्जी ने उठाया था। उनकी कुछ पंक्तियां मैं कोट करता हूं। द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी अमंग द हिंदूज इज ए ब्लॉट अपॉन देयर रेपुटेशन एंड द होल नेशन इज सफरिंग फ्रॉम देयर सिन। व्हेन एवर अ प्ली इज पुट फॉरवर्ड बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स फॉर स्वराज, देयर माउथ इज शट बिफोर देम देयर ओन सिन। दोज हू इनस्लेव and trample under their feet almost one third of their own kith and kin have no right to complain of the tyranny of the foreigner. उन्होंने कहा स्वराज्य प्राप्त करने से कम महत्वपूर्ण अस्पृश्यता को हटाना नहीं। कहा जितना महत्वपूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना है उतना ही महत्वपूर्ण अस्पृश्यता को हटाना है। यदि अस्पृश्यता नहीं हटी तो पूरे राष्ट्र पर यह एक पाप की तरह है, एक काले धब्बे की तरह है। और इसी बात को ये गेट जो 1911 में सेंसस कमिश्नर थे, गेट ने लिखा, फ्रॉम टाइम टू टाइम रिलीजियस रिफॉर्मर्स अपीयर्ड एंड गेन्ड डिसिपल्स। उस समय समय पर रिलीजियस रिफॉर्मर आए, उनको डिसिपल्स हुए, उन्होंने सीमित प्रयास भी किया, लेकिन अंत में लिखा लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो पाया, अखिल भारतीय स्तर पर नहीं हो पाया। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश का सेंसस कमिश्नर की भी चिंता थी कि जो यह जो संकट है हिंदुओं का वो क्यों है। मैंने कहा उनकी रैशनलिटी अलग थी, इंटेंशन अलग था। इसके बाद जो एक पक्ष ये गेट ने लिखा, उन्होंने लिखा कि एक कारण है कि कुछ लोगों का तर्क होता है जो कंजर्वेटिव एलिमेंट का था, हिंदू इज नॉट ए थिंग और एज ए पार्ट ऑफ रिलीजन बट इट इज सोशल सिस्टम। और ये सोशल सिस्टम जो कंजर्वेटिव देते थे, सोशल सिस्टम में हम मंदिरों में नहीं जाना, उनको पूजा में नहीं लाना, उनको वेद नहीं पढ़ने देना, उसको जस्टिफाई करते थे और कहते थे देखिए मिसेज बेसेंट भी कट्टर हिंदू हो सकती हैं। तो यह तर्क को उन्होंने नकारते हुए कहा यह तर्क ठीक नहीं है। इस पर अटैक करते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने बहुत लंबा व्याख्यान दिया और अपनी पुस्तक में इस चीज को लिखा। तो ये जो न्यू एज थिंकर्स थे और जो ऐसी जो मुखर्जी का यून मुखर्जी की किताब थी, वास्तव में बंगाली नाम का जो अखबार था जो इससे सूर्यनाथ मुखर्जी एडिटर थे, अंग्रेजी में अखबार था, उसमें उन्होंने 32 सीरीज में अपने आर्टिकल्स लिखे थे, इस पर उसी का एक संकलित रूप था। उन्होंने 25,000 कॉपीज की छपवाई, लोगों तक बांटा, जब जब लोग जैसे जैसे पढ़े वैसे महत्वपूर्ण हो। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, सेंसस के दौरान जो एक दूसरा पक्ष हुआ, जब ट्राइबल को अलग नहीं कर पाए, सिर्फ एक कैटेगरी बनाया, वह भी सफल नहीं हो पा रहा था, तब एक दल जो शेड्यूल कास्ट समुदाय था, जो सच में हाशिए पर था और सामंतवादी व्यवस्था के कारण, जातिवादी व्यवस्था के कारण वो कई अर्थों में विक्टिम था, उस पर उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की। यह संयुक्त रूप से था, जो मिशनरी और ली दोनों का ज्वाइंट एफर्ट था। कितना महत्वपूर्ण था उसका मैं बताता हूं।
1901 में मॉर्ले को, जो सेक्रेटरी थे इंडियन स्टेट के, उसको एक ज्ञापन दिया अमीर अली ने, जो लंदन में मुस्लिम लीग के हेड। उसमें उन्होंने कहा कि मिलियंस ऑफ लोगों को हिंदू के कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन वास्तव में वो हिंदू नहीं, उनको अलग किया जाए। तो मॉर्ले से अपेक्षा थी कि इसका यह खंडन करें, लेकिन मॉर्ले ने इसका बहुत ही डिप्लोमेटिक कूटनीति तरीके से उत्तर दिया। उसने कहा कि भारत में मुसलमानों के सभी प्रकार के हितों की रक्षा की। इस पर यूएन मुखर्जी ने, यह 1901 में दिया गया, लेकिन 1910 में इस पर ब्रिटिश साम्राज्य ने एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाया। उस कदम ने लाजपत राय से लेके यूएन मुखर्जी तक सभी को आंदोलित किया। वह कदम क्या था कि 10 सवालों का एक सर्कुलर जारी किया 1911 के सेंसस कमिश्नर ये गेट थे। इसको गेट सर्कुलर कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। वह सर्कुलर सभी अखबारों में छपवाया गया और सभी सेंसस से जुड़े हुए सभी लोगों को ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया। उसमें 10 सवाल जोड़े गए। वो 10 सवाल क्या थे कि इन 10 सवालों का जो जवाब देगा वही हिंदू होगा, अन्यथा उसको हिंदू कैटेगरी में नहीं रखेंगे। वह सवाल था, पहला क्वेश्चन था, डिनाइंग दिस सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण, आप ब्राह्मण के सर्वोच्चता को डिनाई करते हैं या नहीं करते? यदि मानते हैं तो हिंदू हैं, डिनाई करते हैं तो आप हिंदू नहीं। डू यू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदा, अगर वेद की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं तो आप हिंदू हैं, नहीं तो नहीं। क्या आप हिंदू गॉड्स की पूजा करते हैं? मान लीजिए कोई हिंदू देवी देवता का पूजा नहीं करता है, हिंदुओं में तो विविधताएं बहुत हैं, बहुत से लोग देवी देवता को पूजा नहीं करते, यदि नहीं करते तो आप हिंदू नहीं। क्या आप मंत्र जाप करते हैं? यदि नहीं करते तो आप हिंदू नहीं। क्या आपके यहाँ ब्राह्मण पूजा कराने आते हैं? कहते नहीं, तो इसका अर्थ आप हिंदू नहीं है। किसी भी प्रकार से ब्राह्मण पृष्ठ से आपका कोई संबंध है, उससे पूछताछ करना शुभ काम के लिए या किसी प्रकार, नहीं तो नहीं। उसी आगे का क्वेश्चन था, क्या सामान्य मंदिरों में आपकी प्रवेश है? यदि नहीं है तो आप हिंदू नहीं है। क्या आपके टच करने से, यानी किसी को छू देने से, या किसी सीमित दूरी में किसी खास स्थान से रहने से कोई अपने को आपको अस्पृश्य मान लेता है, छुआछूत का शिकार हो जाता है? यदि ऐसा कोई मानता आपके लिए तो आप हिंदू नहीं है। क्या आप अपने पार्थिव शरीर को, अपने समाज के पार्थिव शरीर को दफनाते हैं, हाँ या ना? इसी तरह से आप बीफ खाते हैं और गाय की पूजा करते हैं, यदि बीफ खाते तो आप हिंदू नहीं है, गाय की पूजा नहीं करते तो आप हिंदू नहीं। इस तरह के 10 सवाल पूछा गया। अब इस पर एक बड़ी तैयारी हुई और लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, लेकिन जो प्रोटेस्ट था बहुत सीमित था। लाजपत राय जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया और बाकी लोगों ने अखबारों में थोड़े थोड़े बयान दिए, जैसे वहाँ उस समय का जो ट्रिब्यून अखबार था उसमें इस पर कुछ बयान आए। लेकिन जो ग्रेट सर्कुलर का के बारे में नवंबर 12, 1910 को ट्रिब्यून में एक बात छपी, उसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सेंसस के अधिकारियों ने कहा कि हमें लाखों लोगों की शिकायतें मिली हैं, कोई हिंदू नहीं है लेकिन उनको हिंदू लिख दिया जाता है, इसलिए हमने दिया। तब जो सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हुआ, चाहे जिस पुस्तक को शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, हिंदूज आफ्टर कमिंग सेंसस, एक पुस्तक की रचना बहुत ही सीमित समय में यूएन मुखर्जी ने की। उस पुस्तक में उन्होंने कहा, उन्होंने ईसाई समाज कि पूरी दुनिया में ईसाई समाज का जो स्वरूप है उसमें कैसे कैसे विखंडन हुआ, उसमें कहा कैसे हेनरी सेवन को अपनी तीसरी पत्नी को, तीसरी या चौथी पत्नी थी उसको डिवोर्स देकर नई शादी करने की अनुमति वेटिकन ने नहीं दिया, क्योंकि उस पत्नी के का राज परिवार से संबंध था, तो उसने एंग्लिकन चर्च बना लिया। उन्होंने अनेक उदाहरण दिए कैसे पूरे ईसाई समाज के इवोल्यूशन को ट्रेस करते हुए कहा, यदि इस आधार पर कहा जाए तो ईसाइयों के 50 हिस्से हो जाने चाहिए। सिर्फ उस पुस्तक ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को विवश कर दिया इस सर्कुलर को वापस लेने के लिए, और सेंसस रिपोर्ट में इस बात का बकायदे जिक्र किया गया यूएन मुखर्जी का, ये फुटनोट्स देते हुए उनको कोट किया गया कई मामलों में, और फुटनोट देकर कहा गया कि यूएन मुखर्जी का सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में उनको कोट किया गया।
तो मैं मानता हूं कि वह जो विखंडन की एक बड़ी प्रक्रिया थी जो अमीर अली से शुरू हुआ और गेट तक आया, अमीर अली मेमोरेंडम टू गेट सर्कुलर, उसको बचाने का काम यूएन मुखर्जी ने किया। अब एक इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान जो सेंसस हुआ, उसके दो छोटी बातों को कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि इन सब न्यू एज थिंकर्स के बाद एक और प्रश्न उठा कि इस प्रकार के यदि सेंसस होते हैं उसमें और क्या होना चाहिए जिससे कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो। यह भी ब्रिटिश जनगणना के अधिकारियों की चिंता थी कि जनगणना बहुत तेजी से बढ़ रही है और संसाधनों का अनुपात नहीं बढ़ रहा। वो जो जनगणना करते थे तो एक व्यक्ति को सिर्फ 40 घर दिया जाता था, एक बार घरों की गिनती होती थी, उसके घर में रहने वाले एक नागरिक कौन है, फिर तीसरा रहते कौन है, उनके पेरेंट की क्या लैंग्वेज क्या है, वे कौन सी भाषा में एजुकेशन लिए। जिन बातों के कारण एनपीआर में एनआरसी में विरोध किया जा रहा है, ये सब सकारात्मक पक्ष थे। यदि कोई व्यक्ति गुजराती बोलता है, उसकी मदर टंग पेरेंट का टंग गुजराती था लेकिन स्वयं वो अंग्रेजी में शिक्षा लिया, तो उसको बताना, इससे समाज की गत्यात्मकता, समाज में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों को इंगित करता है। कोई भोजपुरी बोलता है या कोई मलयालम बोलता है लेकिन उसकी शिक्षा यदि फ्रेंच में हुई तो फ्रेंच बताना चाहिए। फिर आप के निवास में, आपके घर में विडो विडोवर, आपके घर में और क्या परिस्थितियां हैं, छोटे छोटे जगहों पर कि कोई मंदिर है तो उन मंदिरों में पूजा की पद्धति क्या है, बाकी जगहों से पूजा की पद्धति अलग कैसी है, आप किस परंपरा को मानते हैं, जिस परंपरा को आप 1891 में मानते थे तो 1921 में आप में क्या तब्दीली हुई, कितने लोग उस परंपरा को मानने वाले जुड़े, कितने नहीं जुड़े। इन सब बातों को दार्शनिक रूप से इकट्ठा करने का जो सूक्ष्म जानकारियां और जो सब्जेक्टिव जानकारियां हैं, आपकी बोलियों में क्या परिवर्तन हुआ, उन जानकारियों को जो 1951 से हमारा सेंसस शुरू हुआ उसमें छोड़ दिया गया। हम सांस्कृतिक जानकारियों को पिछले सेंसस से सिर्फ कॉपी करते हैं। छोटी छोटी जगहों में जो परिवर्तन हुआ है, सरदार पटेल ने कहा था कि हम सेंसस डिपार्टमेंट इसलिए बनाना चाहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान सेंसस के समय में यह सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता था। हम चाहते हैं जनगणना और जनगणना से जुड़े हुए सभी पक्षों पर निरंतर कार्य होता रहे। लेकिन जो सरदार पटेल ने कहा, विभाग बन गया, कार्य होता रहा लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और इसी कारण से मैं कहता हूं कि जो उस वक्त की जो जनगणना थी, उस जनगणना के जो सकारात्मक पक्ष थे उसे भी हमें देखना चाहिए, जो उसके नकारात्मक पक्ष थे उसे भी हमें समझना चाहिए। और अंत में मैं जो लोगों ने सैफरन डेमोग्राफी कहा है उनको सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो शब्दावली है वो शब्दावली वैज्ञानिकता के प्रतिकूल है, तथ्यों के अनुकूल नहीं है। क्योंकि जो जनगणना के दौरान ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर ने खुद स्वीकार किया, जैसे पंजाब के सेंसस कमिश्नर ने, सेंसस सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि 10 साल में 40,000 हिंदुजन से लोग इस्लाम में आए, ऐसे 3 times वे क्रिश्चियनिटी में आए, यानी सिर्फ पंजाब में 40,000 कन्वर्ट हुए इस्लाम में और 1,20,000 कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में। ये उन्होंने लिखा 1911 में जो सेंसस कमिश्नर बोलता है, स्टडी ड्रेन फ्रॉम हिंदुज्म वाज कॉजिंग डेमोग्राफिक इरोजन ऑफ द हिंदूज। निरंतर हिंदुओं के यहां से जो ड्रेन हो रहा है, जो लोग निकल रहे हैं, उसके कारण उनका जो आधार है, जनसंख्या का आधार है, उनकी ताकत है, धीरे धीरे छिन्न होती जा रही है। उसका एक उदाहरण दिया, 30 years यानी 1881 से लेकर 1911 के बीच में the proportion of Hindus came down from 74% to 69%, 74% से 69% हो गया। और इसी कारण से कहा, इसका कहा उन्होंने कहा, owing to a relatively slower rate of increase, एक कारण तो बहुत कम गति से हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन दूसरा कारण and to conversion to other religions, उन्होंने दो कारण बताए। यह ईमानदारी थी कि उन्होंने उस ईमानदारी से उस बात को प्रकट किया, जो कन्वर्जन हो रहा है वह भी हिंदुओं की शक्ति छिन्न होने का एक बड़ा कारण है। पंजाब के सुप्रिंटेंडेंट ने तो कहा ही 40,000 गए और 1,20,000 गए,
ऑल इंडिया लेवल पर जो ग्रोथ क्रिश्चियन का था 1901 से 11 के बीच में वो 32.6% था और हिंदुओं का ग्रोथ 5% था और मुस्लिमों का ग्रोथ 6.7% था। 1872 से 1911 के बीच में बंगाल सिर्फ बंगाल में हिंदू 3.9% से बढ़े, मुस्लिम 7.7% से बढ़े और क्रिश्चियन 44.7% से बढ़े। यह जो ग्रोथ रेट था इसने ही उस समय भी चिंता जाहिर की थी और जनगणना के बारे में जो एक बात कही जाती है जो जनगणना के उद्देश्य में रहता है कि जनगणना का काम यह होता है कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, घट रही है तो क्यों घट रही है, कैसे घट रही है। जैसे 1931 में भारत में पारसियों की संख्या लगभग 1,21,000 थी, 1,09,000 थी और ज्यूज यहूदी की संख्या लगभग 24,000 थी। अब इस पर विश्लेषण करना कि जो पारसी 1,09,000 तब थे, जो पर्सियस के आग्रह के बाद भी वहां नहीं गए, आज उनकी संख्या इतनी कम क्यों हुई, उसका बायोलॉजिकल रीजन क्या है, क्लाइमेटिक रीजन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक रीजन क्या है, उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से कोई बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है, उसका बाद में संस्कृति समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसी चीजें होती हैं। उसी दौरान जो बंगाल में कन्वर्जन हुआ उसमें एक जो महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया वो 1891 में कहा गया कि होलसेल कन्वर्जन फ्रॉम हिंदुज्म। अब ये सब टर्म का यूज सेंसस सुप्रिंटेंडेंट ने किया। 1921 के सेंसस में कहा गया मास मूवमेंट इन असम उड़ीसा एंड बिहार। मास मूवमेंट ईसाइयों में एक शब्द होता है, यानी जब बड़ी संख्या में लोग एक धर्म से दूसरे धर्म जाते हैं उसको मास मूवमेंट कहते हैं। 1921 के सेंसस रिपोर्ट में कहा गया दीजिए मास मूवमेंट फ्रॉम हिंदुज्म टू क्रिश्चियनिटी। और 24 परगना जिले में 1901 में एक उदाहरण देकर बताया गया, सिर्फ एक 24 एक जिले का दिया गया, अनेक जिलों को उदाहरण दिया गया। एक जिले में जो 24 नाम गाँव नाम देकर नाम गांव थाना आयु दिया गया, जैसे उसमें दिया गया हरनी दासी की उम्र 40 साल थी, वो लव अफेयर के कारण शादी की और कन्वर्ट हो गई। दासी गलिनी की उम्र 23 साल थी, सुखदा दासी की उम्र 25 साल थी, अभोग्या दासी की उम्र 30 साल थी, राजकुमारी दासी की उम्र 50 साल थी, मुक्ता माची की उम्र लगभग 35 साल थी। ये सब वो प्यार के कारण धर्म परिवर्तित कर दिया, ये एक बड़ी सूची दी गई। तो अंत में मैं इसके सारांश में कहूंगा कि जनगणना में जो उन्होंने आंकड़े दिए उन आंकड़ों के साथ जो सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक परिवर्तन हुआ उस पर ईमानदारी से उन तथ्यों को रखा। एक उदाहरण दिया कि बेतिया के महाराज ने कि बेटी बीमार थी, उन्हें पता चला कि उसको ठीक एक कोई पादरी जा रहा है, वो बहुत जानकार है, बहुत तांत्रिक, वो ठीक कर सकता, उसको बुलाया गया, उसको ठीक किया, संयोग से ठीक हो गई, एक शुभ बात थी। फिर उन्होंने पूछा तुम्हें मैं क्या दूँ, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अपने चर्च के लिए बड़ी जमीन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसने हमें वहां पर अपने पांव जमाने में मदद की। तो उन्होंने ऐसी बहुत सी कहानियां, ऐसे बहुत से तथ्यात्मक बातें छोटा नागपुर में कैसे उन्होंने परिवर्तन किया। तो मुझे लगा कि इस इन खंडों को पढ़ने से आपको दो बातें सामने आती है। पहली बात कि जनगणना वो क्यों करते थे, कैसे करते थे, वो तो एक पास्ट की बात है, लेकिन जो मॉरल लेसन हमारे लिए है कि जनगणना लोगों के हेड्स काउंटिंग के साथ साथ उनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में यदि कहीं पर धार्मिक संस्थाओं की संख्या बढ़ी तो क्यों बढ़ी, नई धार्मिक संस्था क्यों बनी, कौन लोग हैं, फंडिंग कहाँ से होता है, क्यों होता, यह किसी को आरोपित करने का काम नहीं, वो समाज की स्थिति को बेहतरीन तरीके से रखने का काम होता है, वह कोई नकारात्मक उद्देश्य से नहीं होता है। यदि ये बातें ब्रिटिश साम्राज्यवाद छिपा सकती थी, वो प्रवेशवाद था, वो एक कन्वर्जन की इन सभी बातों पर अगर परत डाल देती तो आज हमारे पास कुछ ओरल हिस्ट्री के अलावा कोई जानकारी का माध्यम नहीं था। तो तथ्य को सत्य को रखना और समाज को गत्यात्मक बनाना यही जनगणना का एक मूल उद्देश्य। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी। जितनी भी बार आपको सुनते हैं हर एक विषय पर आपका बहुत ही तथ्यपूर्ण एवं सत्य के साथ माहिती सभर व्याख्यान रहता है। सभी श्रोता जनों और मंच की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब सवाल जवाब का सेशन रहेगा। सवाल जवाब सेशन की कुछ सूचनाएं हैं। सवाल जवाब सेशन के दौरान अगर आपका कोई सवाल है तो आप जूम एप्लीकेशन का रेज हैंड फीचर यूज कर सकते हैं।
एसेंडिंग ऑर्डर में सभी को अपना सवाल पूछने का अवसर दिया जाएगा। आपका टर्न आने पे आपका माइक अनम्यूट किया जाएगा और फिर सवाल खत्म होते ही आपका माइक म्यूट कर दिया जाएगा। सेशन के बाद चैट रूम सभी के लिए ओपन कर दिया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर के आपका फीडबैक आप चैट रूम में शेयर कर सकते हैं। अब सवाल जवाब सेशन शुरू करते हैं। पहले डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। जी नमस्ते राकेश जी, बहुत ही यूजफुल और बहुत विस्तृत माहिती वाला आपका ये सेशन था और बहुत सी चीजों को हम लोगों ने कभी पहले जाना नहीं था। मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि क्या हम सेंसस की जो अभी की प्रक्रिया है वो वही 1921 वाली ही करते हैं, क्योंकि उसके बाद इतनी सामाजिक परिस्थितियां बदली हैं कि सेंसस के ऊपर सरकारें बहुत सारे निर्णय लेती हैं। तो अगर हमने उनकी प्रक्रियाओं में बदलाव नहीं किया, क्योंकि हमने लद्दाख वगैरह में देखा है, जम्मू कश्मीर में देखा है कि सेंसस की त्रुटियों की वजह से वहां बहुत सारे डायलैक्ट्स को निकाल दिया गया और मेन लैंग्वेजेस को डायलैक्ट्स में परिवर्तित किया गया, जिससे कि 8th शेड्यूल में लैंग्वेज नहीं आती है और फिर सेंट्रल जो एग्जाम्स होते हैं उससे वहां के लोकल इनहैबिटेंट्स वंचित रह जाती है। तो क्या हम उसमें परिवर्तन की उम्मीदें रख सकते हैं? देखिए, सरकार क्या करेगी, यह तो सेंसस नीति क्या है यह एक पार्लियामेंट तय करता है। लेकिन जो आपने एक बुनियादी सवाल उठाया है कि सेंसस में उन सभी बातों का उल्लेख ईमानदारी से होना चाहिए, और आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सेंसस की रिपोर्ट में यह जानकारी का उल्लेख होना चाहिए कि आखिर एक ट्राइब के लोग जिनकी संख्या 250 है मध्य प्रदेश के एक जगह पर अंडरग्राउंड रहते हैं। अगर भारत का सेंसस यह नहीं बताएगा तो क्या हर चीज के लिए डिपार्टमेंट बनेगा? कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जिनकी संख्या जो एक ऐसी बोली है जिसको सिर्फ 2 लोग बोलते हैं, एक ऐसी बोली है जिसको सिर्फ 200 लोग बोलते हैं। अब ये जानकारियां अलग अलग उपलब्ध है। तो जो आपने कहा कि लद्दाख में या अन्य भागों में जो चीजें ओमिशन, तो सेंसस नीति ऐसी होनी चाहिए इट शुड बी फ्री फ्रॉम ओमिशन एंड कमीशन। किसी प्रकार की चीजें इससे ना छूटे, आप कोई एग्जैगरेशन ना, यह सेंसस का काम है। खास करके जो भाषा, बोली, सांस्कृतिक परिवर्तन, इन सभी चीजों को समाहित करना चाहिए। इससे सेंसस के 2 हिस्से, पहला एक दार्शनिक हिस्सा है और दूसरा उसका हिस्सा दार्शनिक से हटकर एक संख्यात्मक मात्रात्मक हिस्सा है। तो ये दार्शनिक हिस्से को इससे अलग ना करें और इस तभी हो पाएगा। लेकिन अभी भारत के संसद में इसकी गुंजाइश हमें कम लगती है। आगे का प्रश्न, बागेश्री त्रिवेदी। नमस्ते राकेश जी, क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है जी। तो बहुत दिनों के बाद आपको सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा प्रश्न बहुत छोटा है कि आपने अपने वक्तव्य में कॉन्सेप्ट रखा है ऑफ सेंसस विद कंसेंसस, यानी कि जिन लोगों के ऊपर सेंसस की इंफॉर्मेशन रखी जा रही है उनकी भी भागीदारी हो इस प्रोसेस में। तो मुझे ये जानना है और विस्तार में कि ये किस प्रकार से हो सकता है लॉजिस्टिकली। देखिए, भारत की मैंने इसलिए औपनिवेशिक काल के कॉलोनियल पीरियड के सेंसस की बात कही। जैसे मैं बताता हूँ सेंसस कमिश्नर ने क्या जिक्र किया। पंजाब के एक गाँव में गया तो घर के अंदर वो मूर्ति रखा हुआ था, उसने बताया कि जब बाहर से मौलवी आते हैं तो मूर्ति रखने पे गुस्सा करते हैं तो छिपा कर मैं रखता हूँ। अब देखिए, बहुत छोटी जानकारी है, यह किसी के प्रति कंटेप्ट नहीं है। कोई भी जानकारी और कोई भी तथ्य किसी के प्रति कंटेम्प्ट नहीं होता है, जब यह धारणा लोगों के मन में आएगी। और आप जो भी करते हैं, आप करते हैं, दूसरा कोई करता वह करता है, ना आपका काम गलत है ना उसका काम गलत, पहले तथ्य को आना चाहिए। तो मैंने यही कहा कि यह जब तक लोगों की यह भावना ना बनेगी और जब तक एक नीतिगत फैसला नहीं होगा, लेकिन नीतिगत फैसले के बावजूद भी यदि मैंने अपने गाँव में एक मंदिर बनाया और एक कल्ट शुरू किया, तो कल्ट के बारे में मैं नहीं बता सकता हूं, तो सेंसस सुप्रिंटेंडेंट का काम है कि उस कल्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, क्यों बना, कैसे बना, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये इससे गांव की स्थिति में कैसे परिवर्तन हुआ, ये
ये कल्ट, यदि मैं मुस्लिम हूँ मैंने कल्ट बनाया तो मैं कैसे इस्लाम से अलग हूँ, यदि मैं हिंदू हूँ तो हिंदू से कैसे अलग हूँ। यह जो दार्शनिक आधार है वह सेंसस की सौंदर्य होता है, जनगणना का सौंदर्य होता है और वही सभ्यता और संस्कृति को व्यक्त करता है। ये भारत में इसलिए जरूरी है, जो सेंसस कमिश्नर ने भी कहा, सभी सेंसस कमिश्नर ने इस बात का उल्लेख किया। और आपको एक बता दूं कि 1872 का सेंसस कमिश्नर जो लिखता था वो 1881 में नहीं लिखा, वो 1941 में नहीं लिखा। हर सेंसस कमिश्नर पहले के रिपोर्ट को उल्लेखित करता था, कई बातों को छोड़ता था, कई बातों को कंट्राडिक्ट करता था और कई बातों को नई बातों को जोड़ता था। यह जो स्वतंत्रता थी, स्वायत्तता थी, ऑटोनॉमी भी थी और लिबर्टी भी थी और उसमें इंटेलेक्चुअल इनपुट भी था, तो बेस्ट ब्रेन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सेंसस में लगाया जाता था। दिस वॉज नॉट ए क्लरिकल जॉब। भारत में दुर्भाग्य से, चाहे हम शिक्षक ही क्यों नहीं करते हैं, वह एक बोझ के रूप में, एक दायित्व के रूप में निभाने का काम करते हैं। उसके परिणाम क्या होंगे उस परिणाम पर हम प्रकाश नहीं डालते। इसलिए जो आपने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन लोगों तक समझना समझाना, लेकिन जब एक सोसाइटी फ्रैक्चर्ड हो जाती है तब और भी आवश्यक होता है कि ऐसी जानकारियों को इकट्ठा जाए, ठीक, ऐसी जानकारियां लोगों को जोड़ने का भी काम करती। आगे का प्रश्न हेमंत प्रजापति। हाँ राकेश जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ राकेश जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि आपने, आपकी पुस्तक है सामाजिक क्रांति का दर्शन, वो मैंने पढ़ी थी, उसमें भी आपने जो हिंदुत्व की परिभाषा है उसमें भी आपने लिखा है कि हिंदुत्व की परिभाषा एक्सप्लेन की नहीं जा सकती, और हिंदू कोड बिल भी मैंने पढ़ा है तो उसमें भी उन्होंने इतना क्लैरिफाई नहीं किया है कि व्हाट इज द हिंदुइज्म, और उसके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल को चार वर्ण, चार संप्रदाय को छोड़ के एनी अदर संप्रदाय जो भी है उनको कंसिडर कर लिया हिंदू कोड बिल में, तो क्या ये जनगणना के तहत कुछ साजिश है या नहीं है? नहीं, देखिए जो मैंने पहले कहा कि हिंदुओं को का जो जीवन पद्धति है और जीवन शैली है जो ऐतिहासिक है, उस ऐतिहासिक जीवन शैली औरों से अलग होती है। दुनिया में उसके जैसे समानांतर जीवन शैली नहीं मिलती है। जो मैं तो नटसेल में बात कहा, जब आप किसी सेंसस कमिश्नर का या सेंसस सुप्रिंटेंडेंट का, एक ही देश के अंदर 23 सेंसस सुप्रिंटेंडेंट होते थे, वो 23 सेंसस सुप्रिंटेंडेंट अलग अलग तरह से हिंदुओं को, हिंदू वो सेंसस कमिश्नर के मुंह देखकर डिफाइन नहीं करते थे या दूसरे सुप्रिंटेंडेंट को मुंह देखकर डिफाइन नहीं करते थे, लेकिन सब में एक बात की सहमति बने कि इतनी डाइवर्सिटीज है, सिर्फ भाषा बोली का नहीं, आचरण का, खान पान का, वेशभूषा का, लेकिन कोई एक दूसरे पर जोर नहीं देता है। इस जीवन शैली को एक सांस्कृतिक परिवेश में ही परिभाषित किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा हिंदूज आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द नेवर्स रिलीजन, दे आर मच मोर बॉदर्ड अबाउट द नेवर्स स्टेटस। वो पड़ोसी किस धर्म की पूजा करता है इसकी उनकी चिंता नहीं होती है, उसका स्टेटस क्या की चिंता होती है, गरीब है, अमीर है, वह अछूत है, कथित रूप से जो इसको अछूत करते हैं, स्पृश्य मानते हैं, यह है इसकी चिंता करते हैं। ये उन लोगों ने भी स्वीकार किया। जो एक बात मैंने उठाया था कि जो भारत में धर्म की अवधारणा है वह धर्म की अवधारणा यूरोप, आधुनिक यूरोप में उसके समानांतर कोई अवधारणा ना हमने अनुभव किया, ना हमने पुस्तक में पढ़ा, ना हम उस अवधारणा को जानते। इसलिए इस जीवन शैली को परिभाषित तो नहीं किया जा सकता है, इस जीवन शैली की उन्नति की जा सकती है और उन्नति करने में हम बौद्धिक योगदान दे सकते, वही इस जीवन शैली के साथ एक न्याय होगा। आगे का प्रश्न पंकज कुमार दर्जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मैं गोधरा से बोल रहा हूँ, पंकज दर्जी, बीवीएम, बीवीएम से जी। अब मेरा प्रश्न है, हमारी जो जनगणना है उसको क्यों ना डिवाइड किया जाए, या तो बर्थ सर्टिफिकेट जब वो बर्थ होता है तब, और एजुकेशन जब लेता है तभी, और तीसरा जब उसको सब्सिडी लेनी है या कोई नौकरी धंधा के लिए करनी है तभी है, तो उसको तीन भागों में डिवाइड किया जाए और उसकी जनगणना, उसका जो डेटा कलेक्ट किया जाए, तो मुझे लगता है कि कुछ सरलीकरण हो सकता है। देखिए आपने ठीक ही बात कही, सरदार पटेल ने कहा था ये एक सतत प्रक्रिया है और स्थायी प्रक्रिया है, ये सिर्फ 2 महीने की प्रक्रिया नहीं है काउंटिंग का। तो जो
प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी जानकारी को, सभी सूक्ष्म जानकारी को इकट्ठा करना, और उस सूक्ष्म जानकारी को इकट्ठा करने से शायद जैसे उस सेंसस में यह भी इकट्ठा हो कि इस देश में कितने लोगों को ट्यूबरक्लोसिस है, कितने लोगों को साल में कितने महीने रोजगार नहीं मिल पाता है। कुछ जानकारियां आती हैं, लेकिन जानकारियों का जो होलिस्टिक या कंप्रेहेंसिव फॉर्म है उनमें कई कमियां हैं। तो मुझे लगता है सेंसस नीति में एक आधारभूत परिवर्तन और सेंसस नीति में एक विमर्श करके एक सहमति बनाकर जरूरी है कि जो सूक्ष्म जानकारी की आप बात कर रहे हैं, जिस अलग अलग स्तरों पर जानकारी की बात कर रहे हैं, वो जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है। ये आर्थिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से भी जरूरी है। आगे का प्रश्न भवदीप कटारिया। नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, आपका आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। मेरा प्रश्न यह है कि जो अभी एनपीआर की बात चल रही है, कहीं ना कहीं जनगणना की बात हो रही है, तो समाज में एक नैरेटिव खड़ा हुआ है कि नेगेटिव बात है हिंदू समाज के लिए। हमारे यहाँ सब ऐसा सोच रहे हैं कि एक गलत माहिती देना होगा जनगणना में, सही माहिती नहीं देंगे हम, ऐसी बात चल रही। तो कहीं ना कहीं हम समाज पे कैसी अवेयरनेस फैलाए कि इसके बाद वो पॉजिटिविटी दिखाए। जो भी अधिकारी आते हैं, कोई जनगणना के लिए कोई भी व्यक्ति आता है, तो उसके लिए वो अवेयरनेस हो कि भाई ये बात पॉजिटिव है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो एक कैसा हमारा क्या हो योगदान होगा इसके लिए, ये बात जो आपने कहा वो तो ठीक है, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। लेकिन एक बात जो मैंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान बंगाल का मैंने उदाहरण दिया 1901 में, एक व्यक्ति जो एनुमरेटर होता था वो सिर्फ 40 घरों में जाता था। वो क्या करता था, उस 40 घर में जाने के बाद उनके पास बैठता था, उनसे बातें करता था, अनौपचारिक बात करने में अनेक प्रकार की जानकारी मिलती थी, फिर वो एक रिपोर्ट तैयार करता था। मान लीजिए किसी के घर में गया, उसने कहा मैं तो अब हमारे घर में मेरी पत्नी ब्रह्म समाज को मानने वाली हो गई, मेरे बच्चे तो मानते नहीं है, वो ब्रह्म समाज जाते नहीं, वो इन्फॉर्म। अब वो एक रिपोर्ट बनाता था, उसे किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं करता था। उसने कहा 40 घरों में 12 घरों में ऐसे लोग मिले जो ब्रह्म समाज जाते हैं। या किसी शिया सुन्नी के घर में गया तो शिया ने कहा कि हम तो डर के मारे अपना नाम ऐसा लिखाते हैं जिससे मैं सुन्नी लगूं, चूंकि सुन्नियों का बहुत अत्याचार है। या शिया ने कहा कि हमें वो सुविधाएं नहीं मिलती जो, तो इस तरह की तमाम जानकारियां। या ईसाई किसी मिशनरी, अलग अलग ईसाइयों में भी सेक्ट से उनके यहाँ गया, फिर रोमन कैथोलिक के बारे में उनकी राय क्या है वो, तो एक दार्शनिक भाव से वो तथ्यों को सामने रखकर अपनी समझ के आधार पर वो बनाता था। इसलिए उनकी 2 महीने की ट्रेनिंग होती थी, जो एनुमरेटर्स होते थे 2 महीने की ट्रेनिंग होती थी। उनकी रिपोर्ट को अंतिम नहीं माना जाता था, उसके ऊपर जो व्यक्ति होता था वह देखता था, फिर जो इंचार्ज होता था वह देखता था, अंत में सेंट्रल सेंसस प्रिलिमिनरी देखता था। तो यह हमारे यहाँ प्रक्रिया को इतनी तेज कर दी गई और इतनी कॉलम बनाकर कॉलम भर के ले आना, कॉलम में सच आ रहा है, झूठ आ रहा है, कॉलम छोड़ रहे हैं, और जो एनआरसी एनपीआर है इस पर बेहद विमर्श के द्वारा, इन दोनों में कोई भी गुणात्मक रूप से त्रुटि नहीं है, ये किसी के हानि का नहीं है। संदर्भ के अनुसार कभी कभी किसी चीज पर सवाल उठ जाता है, चूंकि संदर्भ कई चीजों से जब जुड़ जाती है संदर्भ, तो उस गलत फहमी को दूर करना राज्य का, समाज का काम होता है। जो लोग विरोध करते हैं वो भी समाज के हिस्से होते हैं, तो यह मानकर हम आगे बढ़े तो संभवतः आगे जाकर उन जानकारियों को हम बढ़ा पाएंगे। आगे का प्रश्न डॉक्टर रवि शरण दीक्षित। हेलो। हेलो जी। जी नमस्कार। हाँ प्रणाम भाई सब, आपको सुनना हमेशा बहुत अभूतपूर्व रहता है, बहुत जानकारी मिलती है। मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा प्रश्न दिमाग में ये रहता है कि जो शासन ब्रिटिश शासन काल में कई सारे पक्षों को लेकर हम लोग चले, हो सकता है उनका एक अपना एजेंडा रहता हो, पर क्या आजादी के बाद जो हम लोगों ने जनगणना नीति बनाई उसमें बहुत सारी कमियां रही, हम उनको कब तक दूर कर पाएंगे, या इस पे हम लोग क्या बेहतर प्रयास करने में सफल होंगे? मुझे लगता है कि सरदार पटेल यदि जीवित रहते तो जनगणना नीति को बहुत ही बुनियादी जो कमियां हैं उसको दूर कर पाते। उन्होंने इसलिए जनगणना को जो नेहरू जी की राय थी कि जनगणना जिस प्रकार से होती है उसी तरह होते रहे, लेकिन सरदार पटेल ने से नहीं माना। उन्होंने जनगणना को एक स्थायी डिपार्टमेंट बनाया, 1950 में उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद वो रहे नहीं। लेकिन जो एक पक्ष आपने उठाया कि जनगणना पर जैसे एक चैप्टर जोड़ा गया, मैंने कहा
प्रोस्पेक्ट 1981 करके कि 30 साल में क्या होगा आज, और ब्रिटेन एक रॉयल कमीशन बनाया, क्या हम एक कमीशन नहीं बना सकते हैं, नहीं बना पाए तो नहीं बना सकते हैं, जो यह देखे 100 साल बाद हमारी जनसंख्या क्या हो, विभिन्न वर्गों का क्या योगदान हो, और इस गति और उसके कई एजम्पशंस हैं, जैसे ब्रिटेन ने 3 एजम्पशंस माने कि यदि जनसंख्या यदि यह रहा तो हमारी जनसंख्या 2047 कितनी होगी, और यह रहा तो हमारी, उन्होंने 3 एजम्पशंस के आधार पर 3 जनसंख्या के आंकड़े दिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पाया। राजगोपालाचार्य जी होम मिनिस्टर बने उनके बाद, उन्होंने एक संदेश दिया और अच्छी करने की बात कही, इसको जनगणना को सरकारों ने बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया, इसे बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है, और इसके लिए सतत ट्रेनिंग मिले, विभाग खुले, कुछ जगहों पर इस पर पढ़ाई होती है, इसके लिए कुछ एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन इसका विश्वविद्यालय में विभाग खुले, लोगों में रुचि पैदा हो कि जनगणना में कैसे गुणात्मक परिवर्तन हो, यह देश के लिए राष्ट्र के लिए बहुत ही एक केंद्रीय स्थान रखने वाला कार्य है। इससे आपका प्रश्न उचित है, इस पर अच्छा काम होना चाहिए और अच्छी तरह से होना चाहिए। आगे का प्रश्न राजिका कचेरिया। नमस्ते, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ, और आपको सुन के हमेशा जैसे अच्छा लगता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन माहिती आगे आई है, स्पेशली जनगणना के विषय में। हर 10 साल होता है जनगणना, लेकिन मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना था कि ये समय का जो जनगणना होगा और जो 10 साल पहले का था, इन दोनों में क्या अंतर होने वाला है? देखिए, अंतर तो एक आएगा कि हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, एग्रीगेट जो औसत रेट हो सकता है 17% की जगह 16% दिखा दे, लेकिन जो एग्रीगेट टोटल पॉपुलेशन में वृद्धि होगी वह बहुत ही चिंता का विषय है। और जैसे मैंने कहा कि 71-81 में 24% के रेट से जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन एक बार 10 करोड़ एक बार 13 करोड़ जनसंख्या बढ़ी, और 2011 में तो जनसंख्या का रेट 17% था, लेकिन हमने 23 करोड़ एडिशन किया, तो हम प्रतिशत से रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं करते, कुल संख्या से रिसोर्सेज पर प्रभाव पड़ता है। प्रतिशत दो ही हो और कुल जनसंख्या अगर 50 करोड़ बढ़ जाए, क्योंकि जनसंख्या का मैग्नीट्यूड जितना बढ़ेगा तो प्रतिशत का जो स्वरूप होता है वह अपने आप में एक भ्रामक बन जाता है। तो ये जो जनसंख्या मुझे लगता है कि बढ़कर 134-135 करोड़ के आसपास पहुंचेगी, यह एक चिंता का विषय है कि इस जनसंख्या के साथ रोजगार, विकास, उनके न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना दिए गए संसाधनों में, और जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदा की संभावनाएं जो दशकों से नहीं थी वो अब लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें और भी कठिनाई की स्थिति आ रही है। आगे का प्रश्न सौरभ आनंद जी। नमस्कार राकेश सिन्हा जी, मैं खुद ही सोशियोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, और मेरी 2-3 बातें भी हैं, कुछ कमेंट भी है सर आपके लेक्चर पे। एक तो पहले जब हम घूरे को पढ़ते हैं तो घूरे ने बहुत पहले वहाँ पे जब ट्राइब्स की स्टडी करते हैं तो उन्हें बतलाते कि बैकवर्ड हिंदू जो कंसेप्ट है, वो टर्म ही देते बैकवर्ड हिंदू को, लेकिन वो उस बात को लेकर के आज तक को हमने उसको माना ही नहीं कि वो अपने समुदाय के लोग हैं। एक तो पहला उसको लेके चलता है। दूसरा है कि आपने जैसे बात की थी कि डिकेइंग ऑफ द रेस की जो बात कर रहे हैं वहां पे, कि अपने में से लोग जो हैं कि जो एक निचले तबके जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स हैं अपने समाज में, जो इनको बोलते हैं, उनको समाज का एक हिस्सा माने नहीं आज तक, जिनके चलते इनकी जो स्पेशली मोबिलिटी अदर रिलीजन में हुआ है, और खास करके जो उस रिलीजन ने उसको बढ़ावा भी दिया है कि आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपकी अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो एक सेकेंड रीजन वो भी रहा वहां पे देखने का, जो मोबिलिटी हम देखते हैं। थर्ड देखते हैं कि सर कि इसके अलावा आपने 2011 में एक जब सेंसस हुआ था तब वहां पे कास्ट को इम्पोर्टेंट फैक्टर माना गया था सेंसस को काउंट करते वक्त, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक उसको पब्लिक में नहीं लाया गया। उसके जो भी रीजंस हैं हमें नहीं पता, क्योंकि जो आपने बात किया कि बात यहाँ पे क्या था, जो सैफरन जो एक सेंसस का कंसेप्ट अपने लाके लेके आया, खास करके ऐसे लोगों का जो जिनकी अभी भी समाज के बुद्धिजीवी में बहुत ज्यादा पकड़ है, वो मानते हैं कि सब चीजों में एक सोची समझी राजनीति है, रणनीति है मानते हैं। जो आपने जो बतलाया इस बातों को यदि मैं समझता हूँ एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी ऑफ द लॉ स्कूल,
यदि हम इसको ज्यादा अपने लोगों में दे सकें पढ़ने के लिए बताने के लिए, तो एक अलग सोच बनेगी जो शायद इसको काउंटर कर पाए। और ये चीजें हम शायद नहीं दे पा रहे हैं, हमारी खुद की कमियां मैं मानता हूँ, सब में किसी कमी उसी में मैं देखता हूँ। तो ये सेंसस जो फ्यूचर है, क्योंकि सेंसस इज अ काइंड ऑफ, जो आशीष बोस जी थे जो खासकर डेमोग्राफर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इस पर काम किया है। और खासकर पॉपुलेशन स्टडी जो सेंटर बनी भी बहुत जगह, उतना क्रियान्वयन नहीं रही, उनका डाटा सिलेक्शन जो भी था उतना नहीं रहा। इस पर मैं आपके आपने नाम लिया, आशीष बोस की जो आरंभ में धारणा थी और बाद में धारणा बहुत बदली सेंसस के प्रति, उनके बड़े सकारात्मक, उन्होंने पहले सिर्फ इंपिरिकल बातें करते थे और अंतिम दिनों में आशीष बोस से मेरी लगातार बात होती रही। लेकिन मैं दो बात इम्पोर्टेंट करना चाहता हूँ। अभी मैंने चूंकि औपनिवेशिक काल के सेंसस की बात कही और उसमें मैंने डाइंग रेस जो पुस्तक यूएन मुखर्जी ने लिखी, आपको एज ए फैकल्टी मेंबर शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना चाहिए। मैंने एक पुस्तक एडिट की है, हु इज ए हिंदू, उसमें उस पुस्तक को एडिट करके उसके छोटे वर्जन को डाला है, उसमें तीन पुस्तकों को रखा है, एक तो यूएन मुखर्जी किताब है, दूसरी लालचंद एक पंजाब के थे। और देखिए संजोग ऐसा है कि यूएन मुखर्जी ने 31 आर्टिकल्स का सीरीज लिखा बंगाली में, और लालचंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो पहले भारतीय बैंक जो पंजाब सिंध बैंक है उसके डायरेक्टर की स्थापना की, एक एडवोकेट थे, कुछ दिन जज भी रहे, ठोस राष्ट्रवादी थे। उन्होंने 21 लेटर टू द एडिटर अखबार में लिखा, पंजाबी अखबार में, वो बंगाली पंजाब दोनों का काल एक ही है। और उस लेटर टू एडिटर में वो नाम नहीं देते थे, एनोनिमस, किसी को पंजाब में पता नहीं चलता था किसने लिखा। और एक एक लेटर पर पंजाब में 7-7 दिन बहस चलती थी, हर ढाबे पर हर दुकान में वो लेटर इतना लोगों को माइंड बॉगलिंग होता था। उसी लेटर्स को कलेक्ट करके छापा, बाद में पता चला इसके लेखक, इस सबके लेखक लालचंद हैं। तो सेल्फ एबनेगेशन इन पॉलिटिक्स, तीसरा स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा। तो सवाल उठता कि सेंसस का उपयोग आप राजनीति के लिए करते हैं या सामाजिक परिवर्तन के लिए। जब सेंसस का उपयोग राजनीति के लिए शुरू हो जाता है और उसमें सबका योगदान कमो और बेस होता है, मैं जहां हूं हो सकता है मेरा भी योगदान है, तो जब नियत खराब शुरू होती है तो फिर आरोप प्रत्यारोप का महत्व नहीं रह जाता है। तो सेंसस का जब काम एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होगा, देखिए जब मैंने रॉयल कमीशन का जिक्र किया, अभी कितना महत्वपूर्ण है, रॉयल कमीशन ने कहा कि उसे तीन एजम्पशंस माने कि ब्रिटिश जनसंख्या कब कैसे बढ़ेगी, उसने और उसने तीन एजम्पशंस के आधार पर कहा कि 2047 में एक एजम्पशन के अनुसार 455 मिलियन 455 मिलियन होंगे, दूसरे एजम्पशन के अनुसार 296 मिलियन होंगे, तीसरे एजम्पशन के अनुसार 527 मिलियन होंगे। उसने सभी पक्ष को रखा, कंट्रासेप्टिव का यूज कितना होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ेगी, बाकी माइग्रेंट्स कितने इस देश में आएंगे, माइग्रेंट्स में कौन से माइग्रेंट्स ऐसे आएंगे जिनकी फर्टिलिटी रेट अधिक है। जब हम स्वतंत्र स्वायत्त होकर इन बौद्धिक गतिविधियों को करते हैं और राज्य भी स्वतंत्र स्वायत्त होकर इन बौद्धिक गतिविधियों को होने की छूट देता है, जो मैं 1951 से बात कर रहा हूं, तब जाकर वह एक सकारात्मक रचनात्मक परिणाम के रूप में आता है। सिर्फ कानून के पन्नों को देखकर जब काम होता है तो वह सकारात्मक रचनात्मक काम के रूप में नहीं आ पाता है। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि जो फैकल्टी में है, कि जो चाणक्य की भूमिका थी जो किताब के पन्नों को देखकर काम नहीं करता था, फैकल्टी को वही करना चाहिए। और यदि जनगणना में राजनीतिक कारणों से कमियां रहती हैं तो उस कमी को हम अपने कारणों से करें। जिस पुस्तक को आपने कोट किया उसके बाद दूसरी कोई पुस्तक क्यों नहीं आई। मैं एक यहाँ पर एक उदाहरण करना चाहूंगा, अब इस बात का जिक्र होना चाहिए, जब क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट आया उसका कारण आप समझ रहे हैं। हिंदुओं में जो कंजर्वेटिव ब्राह्मण क्लास था, जो ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट के बीच में नहीं जाना चाहता था, तो एक ब्राह्मण के वर्ग ने इसको स्वीकार नहीं किया, वो ट्राइबल्स के बीच में घूमना शुरू किया, उनको बताना, उनसे संवाद करना, उनका जरूरत पड़े पूजा पाठ कराना। उसको उन्होंने क्या शब्द दिया मालूम है, ब्रिटिश सेंसस रिपोर्ट में कहा गया, डिग्रेडेड ब्राह्मण्स। आपके यहां करता है तो प्रोग्रेसिव कैथोलिक्स, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स, और हमारे यहां वो करता है तो उसने कहता है दे आर रिवेलियन। और क्या कहता है,
क्यों है? चूंकि वो अपने बेचारे लाइवलीहुड के, अरे जो बेचारे खुद गरीब हैं वहां लाइवलीहुड क्या मिलेगा ब्राह्मणों को? मेन लैंड छोड़कर वो यदि पहाड़ पत्थरों में जा रहे हैं तो यह, लेकिन एक बात है, उन्होंने जो कहा उसको रखा। तो आज जरूरत इस बात की है कि आज की जो एकेडमिक्स है वो एकेडमिक्स पैट्रनाइज्ड, पिछले 70 साल से क्या था, राज्य के पैट्रनाइज में, राज्य की नीतियों को देखकर, नीतिकारों के मन को भाप कर जब एकेडमिक्स चलता है तो कलरिकल फाइल बनकर रहता है, किताबें कलरिकल फाइल बन जाती है, किताबों को कलरिकल फाइल नहीं, वो चाणक्य का अर्थशास्त्र नहीं तो कम से कम मिनी अर्थशास्त्र होना चाहिए। तो जो काम सेंसस नहीं कर पाएगा वो काम शायद हम बाहर से कर सकते हैं। समय अवधि के कारण अब यह अंतिम प्रश्न हम लेंगे, बंटी जैन। नमस्कार सर। नमस्कार, दाहोद गुजरात से बात कर रहा हूँ सर। जनगणना में अभी एक विषय चल रहा है कि 7 नंबर कॉलम में कुछ व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा। जब हम ऐसे विषय को लेकर आज समाज में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो हम जैन समाज द्वारा भी हिंदू नहीं लिखा जाता है। तो हमें काउंटर प्रश्न आता है कि जब आप खुद ही जैन होकर हिंदू नहीं लिख रहे हैं तो हमें क्यों समझाने आए हैं? तो क्या कारण है कि हमें हिंदू लिखना चाहिए जैनों को, और मुझे समाज में किस तरह राष्ट्रवाद की भावना के तहत समझाना चाहिए कि हमें भी हिंदू लिखना चाहिए? ये हमें काउंटर अभी हुआ है थोड़े दिन पहले ही। देखिए, यह जो आपने बहुत ही मौलिक प्रश्न खड़ा किया है, यह तात्कालिकता में इसका निदान नहीं हो सकता। पिछले मैंने जब आमिर अली की बात की, लॉर्ड मॉर्ले की बात कही, ये गेट सर्कुलर की बात कही, जो औपनिवेशिक आईने में हिंदू समाज को पढ़ने की समझने की जो कोशिश हुई, उसी आईने में जो चित्र बनकर उभरा, उसी चित्र को हमने अपने समाज पर स्थापित कर दिया। इसलिए विखंडनवादी जो सोच है वो जनगणना का हिस्सा रह गया। तो औपनिवेशिक काल में सामाजिक सुधार की, जो मैंने एक जिक्र भी किया, गेट ने लिखा था कि भारत में सामाजिक सुधार की प्रक्रिया बड़े छोटे छोटे जगहों पर चलती है, अखिल भारतीय रूप नहीं ले पाती। तो मैंने कहा कि एक जनगणना से दूसरे जनगणना के बीच में समाज सुधार, समाज परिवर्तन, समाज प्रबोधन की कितनी विकेंद्रीकृत और कितनी केंद्रीकृत गतिविधियां होती हैं, सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड, कितने लोग समाज केंद्रित होकर और उसका राजनीति से पूर्णतः संबंध नहीं होकर काम करते हैं, यह समाज की ताकत होती है। जब कोई व्यक्ति, संगठन, विचार राज्य की ताकत का हिस्सा बनता है तो उसके योगदान सीमित हो जाता है। वो राज्य का, जैसे पुस्तक का अपेंडिक्स होता है ना, वो पुस्तक का एक अपेंडिक्स बनकर रह जाता है। तो क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तभी हो सकता है जब चाहे शासन व्यवस्था किसी के पास हो, उससे मुक्त होकर काम होता है। भारत में इसकी घोर अल्पता दिखाई पड़ती है, इसकी इतनी, जिसको कहते फेमिंग कहते हैं ना, वो अकाल, अकाल ग्रस्तता का यह शिकार है। यह अकाल जिस दिन खत्म हो जाएगा, जिस दिन हम समाज सुधार की प्रक्रिया में और संरचनात्मक राजनीति से मुक्त होकर कार्य करने में, आप कहेंगे आप राजनीति में फिर भी ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो राजनीति में होकर भी ऐसा बोलने की साहस रखता हूं। तो मैंने इसलिए कहा कि जब इससे मुक्त होकर हम अपने भीतर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लाएंगे ना, तो आपके प्रश्न का निदान हो जाएगा, सिर्फ हिंदू ही हिंदू लिखा जाएगा। एक मैं सुधार कर देना चाहता हूँ जो मेरे मुंह से निकल गया था। जो शेड्यूल ट्राइब का कॉलम शुरू हुआ 1921 में जेटी मार्टिन ने शुरू किया, मैंने 11 कहा था, 11 तक एनिमिस चलता था। 1921 के सेंसस कमिश्नर जेटिन मार्टिन ने दो कारण जो बताए थे कि एम्पल इंस्टांसेज ऑफ एनिमिस्ट सर्वाइवल्स इन द क्रिश्चियनिटी, इसके कारण, दूसरा वेग बिटवीन हिंदुज्म एंड एनिमिज्म, दोनों के बीच का अंतर हम नहीं कर पाते हैं एनिमिज्म कहने से। ये मार्टिन का है, ये 1911 नहीं 1921 से शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, समय की मर्यादा के कारण हम आगे सवाल जवाब का सेशन नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं राकेश जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी वेबिनार में उपस्थित प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करता हूं।
आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आपको भारतीय विचार मंच के फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर अकाउंट से मिलती रहेगी। जिन लोगों के पिछले सेशन अगर मिस हो गए हो तो वे भारतीय विचार मंच की यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी का इस वेबिनार में भाग लेने के लिए धन्यवाद। आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर टॉप लेफ्ट या टॉप राइट में लीव का बटन होगा, आप वो क्लिक करके मीटिंग एंड कर सकते हैं।